हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी पास्ट हिस्ट्री बताने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो ये है कल आपका ऑफ रहेगा। बहुत से बच्चे मेरे साथ, जैसे आप देख रहे हो मेरी भी शेप बढ़ गई है क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस वक्त क्योंकि आपके लिए डेली लेक्चर्स हमें तैयार करने पड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस शीट है, फिर उसके बाद फिर हाईलाइट भी पोर्शन करना पड़ता है। तो मतलब टाइम बहुत कम मिल रहा है, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है काम करने में क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मन लगा करके तैयारी करते रहो और नीट एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर हम लोग अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्ट होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो रहा है वो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाकर के नीट फिजिक्स कोटा की ऐप को ज़रूर रेट कर देना, रेटिंग कर देना उसकी, और जो भी आपके रिव्यूज़ हो वो ज़रूर वहाँ पर डाल देना कि किस चीज़ से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, वो ये है कल आपकी छुट्टी है, ठीक है ना। तो क्या करना है, कई बच्चों का बैकलॉग भी हो जाता है। यार ये बैकलॉग नाम की बीमारी इतनी गंदी है ना कि अगर हम सिलेबस को स्टार्ट करें तो भी बैकलॉग हो जाता है और रिवीजन करने शुरू करें तो भी बैकलॉग हो जाता है। इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरवल सोच लिए थे कि जिन बच्चों का भी बैकलॉग हो जा रहा है वो अपना एक पोर्शन लेकर के, एक संडे का दिन ऑफ लेकर के, जैसे कल का दिन आपका ऑफ है, उस दिन आप ये सारी चीज़ ख़त्म कर लो। क्योंकि देखो बहुत कम टाइम हमारे एग्जाम में बचा है, अगर हम अभी भी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, बैकलॉग को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के हमें दिक्कत हो जाएगी, सिलेक्शन में हमारा जो है वो रास्ता अटकेगा। तो बेहतर यही है कि आप अभी टाइम रहते चीज़ों को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। अब SHM की पास्ट हिस्ट्री पे आते हैं, ये तीसरी चीज़ है आज की। तो SHM के अंदर देखो, एक सवाल 21 में आया था, एक सवाल 20 में आया था, दोनों ही महाबकवास सवाल थे, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। और उससे पहले के भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत इजी प्रॉब्लम है और आप बहुत इजीली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग थोड़े से हाई लेवल के प्रॉब्लम रखते हैं, बट उतना आया नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराऊंगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क होंगे टेस्ट के वो SHM और वेव एक साथ है, इसलिए वेव वाला जो लेक्चर रहेगा आपका परसों, उसके अंदर मैं मार्क इसको करके दूंगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब लेक्चर को हम स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे धूम धड़ाके से, क्योंकि हर चीज़ करेंगे, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ मैं आपको इसमें कराऊंगा और एंड में चल करके हम PYQ देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है, बेसिक थ्योरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेट करता है और इस पर लगती है रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, जहाँ माइनस साइन दिखाता है कि अगर आप बॉडी को राइट साइड पर ले जा रहे हो तो फोर्स लेफ्ट पर लगेगी, यानी एफ और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है माइनस के एक्स के बराबर, जहाँ के को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, तो इसके टाइम पीरियड का रिजल्ट आता है 2π√m/k, ठीक है। अब हमेशा मैंने ये बोला, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स, कई बच्चे सक्षम के भी हैं, तो उन्होंने भी देखा हुआ है कि हमेशा जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ SHM, इक्वेशन से नहीं स्टार्ट करते हम लोग, हमेशा स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड वगैरह रिजल्ट से, फिर आगे जा करके SHM की इक्वेशंस के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन भी मैं इसके अंदर रखूँगा, ठीक है ना, बट कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो बिल्कुल मतलब हल्के फुल्के मूड में आप इसको पढ़ो और रिलैक्स मोड पर इसको पढ़ो, बिल्कुल लाइट टॉपिक है, आप जितना लेक्चर में आज के कवर कर लोगे इतने से नीट का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखो स्प्रिंग मास सिस्टम, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जब हम स्प्रिंग को मास से अटैच करते हैं तो ये इस स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन होगी, मास के साथ अटैच करते ही ये गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। कभी भी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है हमेशा फोर्सेस को बैलेंस करके निकालो। तो जैसे अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी हो तो KX0 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। अब जब हम इस बॉडी को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, यानी वो फोर्स लगेगी जो इसको इक्विलिब्रियम की तरफ लाने की कोशिश करेगी, और स्प्रिंग मास सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स का काम स्प्रिंग करता है। इसलिए इन स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो इन स्प्रिंग मास सिस्टम रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, ठीक है। इसलिए स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड आपने जनरली देखा होगा वो यही रहता है 2π√m/k, जहां हम ये बोल देते हैं कि ये k जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आई थिंक ये बिल्कुल बेसिक सा था जो बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ही यहां पर रीस्टोरिंग कांस्टेंट का काम करता है, क्योंकि स्प्रिंग ही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अब
अब इसमें डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग मास सिस्टम आ जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंटी पैरेलल, एंगल वाला, सब रखे हैं, ठीक है ना, सबको उड़ाते हैं। आ जाओ तो सीरीज के अंदर अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है, जैसा आप ये देख रहे हो, तो सीरीज में क्या होता है, फोर्स सेम रहती है, जितनी इसमें फोर्स उतनी इसमें फोर्स रहती है, उतनी ही इक्विवेलेंट के अंदर फोर्स रहती है। तो सीरीज के अंदर जब हम के इक्विवेलेंट निकालते हैं तो अपना वही 1/K1 + 1/K2 करके रिजल्ट आ जाता है। पैरेलल के अंदर क्या रहता है, जब हम के इक्विवेलेंट निकालते हैं तो डायरेक्ट ऐड होकर के निकलता है, ठीक है ना, पैरेलल में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम रहता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√M/K1 करके निकाल सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा है। अब आप इन सब चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में बहुत परफेक्ट, पर प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये स्पेशल केस आ जाते हैं। इस स्पेशल केस में क्या होता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट आपके में सवाल आ जाता है। तो रिजल्ट क्या है वो ध्यान से सुनना, कहता हमारे पास दो स्प्रिंग है, ठीक है, एक का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 है, मास m है, ठीक है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इससे भी मास हमने m सस्पेंड किया। अब लैंग्वेज ऐसे चलती है, जब हम m मास K1 से सस्पेंड करते हैं तो इसका टाइम पीरियड T1 है, तो T1 की वैल्यू हो गई 2π√M/K1, और जब हम ये m मास K2 से सस्पेंड करते हैं तो टाइम पीरियड T2 है, T2 की वैल्यू हो गई 2π√M/K2। अब कहानी ऐसी आती है, कहता अगर हम इन दोनों को सीरीज में लगाएं, ठीक है ना, और m मास ही सस्पेंड करें, तो बताओ नया टाइम पीरियड कितना होगा। तो सीरीज में लगाने पर 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/K1 + 1/K2 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहां से, सॉरी ये K1 था, तो यहां से आप क्या करेंगे, K1 की वैल्यू निकालेंगे, और K1 की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T1² आ जाएगी। तो ये रिजल्ट बन जाएगा T=T1² + T2², तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई हो तो सीरीज में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट तो 1/K करके निकलता है, बट सीरीज में अगर हम दोनों को अटैच करके इक्विवेलेंट टाइम निकालें तो वो हो जाता है T1² + T2². सिमिलर मैनर में ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ये मैं पैरेलल के लिए देख रहा हूँ, तो पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K1 + K2। अब अगर आपके इक्विवेलेंट की वैल्यू डालोगे तो 1/T² से रिजल्ट बन जाएगा, टी पैरेलल डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले तो T1 T2 अंडर रूट से बाहर आया, अब नीचे बचा √T1² + T2². तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, ठीक है ना। ये रिजल्ट मतलब रिवाइज कराना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको बताया कि सीरीज पैरेलल में करके इक्विवेलेंट टाइम कैसे निकलता है। नेक्स्ट, अब ये अपने दोस्त है, ठीक है ना, फिर चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, मजे लेते हैं इसके। तो हमारे पास एक m मास है और दो स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 हैं, दोनों मास के एक तरफ एक लगाई गई, दूसरी तरफ दूसरी लगाई गई। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसलिए बोलते हैं, जब आप इसको पकड़ करके एक तरफ पुल करोगे तो एक में एलोंगेशन आएगा, दूसरे में कंप्रेशन आएगा, जितना एक में एलोंगेशन आएगा उतना दूसरे में कंप्रेशन रहेगा, यानी एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, यानी ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बिल्कुल पैरेलल वाले फॉर्मूले की तरह ही आएगा, K1 + K2। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, अच्छा, वंस यू हैव ऑब्टेंड के इक्विवेलेंट, अब आप टाइम पीरियड निकालने के लिए 2π√M/K इक्विवेलेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी, वैसे तो अलग से हाईलाइट करके दे रखी है, बट SHM में भी बहुत सारी टिप्स हैं, ठीक है ना, वो भी मैं आपको साथ साथ देते जाऊंगा। तो देखो और ध्यान से देखते चलना, SHM का सवाल ये गारंटी है, लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी नीट में आना होगा, अटकेगा नहीं आपका। तो रिड्यूस मास सिस्टम, रिड्यूस मास सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जब हम एक स्प्रिंग से दो मास अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे में क्या करना होता है, हमें इसका m रिड्यूस निकालना होता है। इस m रिड्यूस निकालने का फॉर्मूला m1 m2 / m1 + m2 होता है। अब जैसे ही आपने m रिड्यूस निकाला, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2π√M/√M/K। इससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये हो गए कुछ स्पेशल स्प्रिंग मास सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग इंक्लाइंड स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने, ये मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये इंक्लाइंड स्प्रिंग के जो सवाल हैं ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे SC वर्मा वगैरह में, ठीक है ना, या जो आप टेस्ट देते हो अच्छे लेवल का टेस्ट होगा वहाँ देखने को मिलेगा। फेज़ वन में भी मैंने ये कराया हुआ था, बट जैसा मैंने बोला सारी चीज़ मैं वापस से करा रहा हूँ तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंक्लाइंड स्प्रिंग में क्या होता है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, एक इधर स्प्रिंग लगा दी, ठीक है ना, एक इधर स्प्रिंग लगा दी इस तरीके से, और बीच में हमने ये मास अटैच कर दिया। ये के है, ये के है, ये के है। अब करना क्या है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। जो भी स्प्रिंग सिमेट्रिकली लोकेटेड है, सबसे पहले आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो।
तो ये जो मास होता है ये इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही ऑसिलेट करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, जिगजैग मोशन करेगा, वो SHM नहीं होगा। तो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली। अब स्प्रिंग्स के एंगल देख लो कितने कितने हैं। अब इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोसीजर तो लेंथी होता है, बट क्योंकि ये रिविजन चल रहा है इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिजल्ट ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा आता है के, और ये जो एंगल थीटा पर स्प्रिंग होती हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये पूरा प्रूविंग के बाद आता है, लेक्चर्स में मैंने समझाया हुआ है, अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ। तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया के कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया के कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या, ये दोनों और ये तीनों मिलकर के पैरेलल में ही हो जाते हैं, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है के प्लस 2K कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आपने के इक्विवेलेंट निकाला, टाइम पीरियड अब 2π अंडर रूट m/k करके निकाल लोगे। नेक्स्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है पुली से रिलेटेड ट्रिक्स, ठीक है ना। पुली वाले सवाल ध्यान से देखना। पुली वाले केसेस में हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम ये होता है जिसमें पुली फिक्स्ड होती है और स्प्रिंग हमने इधर थ्रेड से बांध दी और इससे मास अटैच कर दिया। अब ये जो स्प्रिंग, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं जिसमें डायरेक्टली मास से ये स्प्रिंग अटैच्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका के इक्विवेलेंट के ही बराबर होता है, यानी ये हमारा सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम ही है। इस पुली का भी ऑसिलेशन में कोई रोल नहीं है, बस ये खाली क्या करेगी, थ्रेड को स्लिप कराने में हेल्प करेगी। तो इसका के इक्विवेलेंट हमारा के ही बराबर होता है और टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k हो जाता है। नेक्स्ट जो स्प्रिंग पुली सिस्टम आता है वो ये है। ये दो खतरनाक स्प्रिंग पुली सिस्टम है, इनको ध्यान रखना जरूरी है, टेस्ट में भी आप डेफिनेटली देखोगे इसको, ठीक है ना। तो पहला स्प्रिंग पुली सिस्टम ये है जिसमें स्प्रिंग पुली के सेंटर से अटैच्ड होती है और इस तरीके से मास थ्रेड के ऊपर जाता है, ठीक है ना। अब ये जो स्प्रिंग है जो पुली के सेंटर पर अटैच्ड होती है, ठीक है ना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 जाता है, यानी ये सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू एक सिंपल सा ऐसा सिस्टम जिसमें इस स्प्रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन K/4 होकर के जा रहा है। और जैसे ही आपने इसका कॉन्ट्रीब्यूशन K/4 किया, आप डायरेक्टली मास अटैच कर दो और आप इसका टाइम पीरियड निकाल लो 2π√m/k इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट हो गया K/4, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग पुली सिस्टम बेसिकली इसको बोलेंगे। तीसरा स्प्रिंग पुली सिस्टम जो यहां पर आता है वो ये है। ये तीनों अच्छे तरीके से इनकी ऑब्जर्वेशन देख लो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मास को हमने पुली के सेंटर से बांध दिया, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हमने स्प्रिंग अटैच कर दी। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये अपने सामने वाले थ्रेड को भी एक स्प्रिंग की तरह ही बिहेव कराता है। तो ये दोनों मिल करके एक पैरेलल स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं और इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डबल देयर वैल्यू होता है। तो अगर ये के है तो ये इसको भी 2K बना देगा, खुद भी 2K बन जाएगा। ये सारा का सारा प्रूविंग आपने बैचेस के अंदर सीख रखा है, मैं ये सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, क्योंकि प्रूविंग दूंगा तो ये लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं, ये निकल जाएगा पूरा का पूरा उतना जितना हम लोग नॉर्मल लेक्चर देखते हैं। तो अब अगर हम इसका के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4K, ठीक है, और टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π√m/4K। तो आई थिंक ये तीनों चारों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक और चीज़ है वो भी बता दूँ, वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप एक स्प्रिंग को काटते हैं, ठीक है, तो जैसे L लेंथ की ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, आपने इसे दो पार्ट में काटा L1 और L2, ठीक है ना, लेंथ का रेशियो जनरली इसमें गिवन होता है। तो होता क्या है, कटने के बाद इनके स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं, K1 और K2 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब तरीका क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर ये जो KL का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चाहे आप इसका K1 L1 निकालो, चाहे आप इसका K2 L2 निकालो, ठीक है ना, चाहे आप पूरे का KL निकालो, तो दिस इज इक्वल्स टू K × L, L को मैं ब्रेक करके L1 प्लस L2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या पता होता है, आपको K पता है, आपको L1 पता है, आपको L2 पता है, तो आप इधर से ये जो कटी हुई स्प्रिंग्स हैं इनके स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो K1 की वैल्यू आ गई L1 प्लस L2, मतलब टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय उस कटे हुए स्प्रिंग की लेंथ इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। K2 की वैल्यू आप निकालोगे तो L1 प्लस L2 बाय में L2 इनटू K2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इनको सीरीज में जोड़ दोगे तो ये सीरीज में जोड़ करके बेवकूफी मत करना, पता चले K1 निकाला, K2 निकाला, फिर सीरीज में जोड़ के 1/K1 प्लस 1/K2 निकाला, क्यों नहीं करना, क्योंकि K ये बराबर आ जाएगा। तो सीरीज में जोड़ोगे तो वापस वही स्प्रिंग बन जाएगी। हाँ, पैरेलल में जोड़ने पर ये K1 प्लस K2 हो जाएगा, वहां रिजल्ट थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने आपको कंसेप्ट दे दिए जो स्प्रिंग मास सिस्टम से अटैच्ड होते हैं। अब मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, तो पहला प्रॉब्लम ये रहा, ठीक है ना। अब पहले आइडेंटिफाई करो,
ये बीच में बहुत सारी स्प्रिंग है और दोनों तरफ दो मासेज हैं, यानी कि ये एक रिड्यूस मास सिस्टम है बट जिसमें स्प्रिंग भी सीरीज पैरेलल में दे रखी है। तो अब हमें के इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा, हम रिड्यूस भी निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को ही एडवांस लेवल बोल देते हैं, जबकि आप भी जानते हो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हो उस सवाल को। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो गया के बाय टू, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया टू के। ठीक है, अब डायग्राम में मॉडिफिकेशन ये बचा कि अब हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है टू के, ठीक है, और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है के बाय टू। तो ये दोनों स्प्रिंग्स हो गई सीरीज में और दोनों तरफ दो मासेस लग गए। अब अगर हम इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो के वन के टू बाय के वन प्लस के टू करके निकाल लो तो टू इंटू हाफ डिवाइडेड बाय फाइव बाई टू टाइम्स के आ गया, ये यहाँ से गया यानी टू के बाय फाइव, तो टू के बाय फाइव इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आया। अब क्या करना है, के की वैल्यू तो हमें दे रखी है 25 पाई स्क्वायर, बाद में पुट कर देंगे जब हम इकट्ठा इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें एम रिड्यूस चाहिए, ठीक है ना, तो एम रिड्यूस का वैल्यू फॉर्मूला सिंपल है, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, दोनों मासेज आइडेंटिकल है तो एम रिड्यूस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम बाई टू मतलब फाइव बाई टू। अब बस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं तो टू पाई अंडर रूट एम रिड्यूस डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट, तो एम रिड्यूस डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट हमने किया तो टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया 2 पाई, एम रिड्यूस की वैल्यू मैंने डाल दी विच इज 5 बाई टू, ठीक है, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने डाल दी ट्वाइस इंटू के, अब के की वैल्यू डाल दो 25 पाई स्क्वायर और ऊपर चला गया 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 25 से ये कैंसिल हुआ, नीचे बचा 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर का रूट हो गया कितना 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू 1 सेकंड आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखने में भयानक है बट सिंपल, अगर आप टू द पॉइंट चलो आपका प्रॉब्लम 100% कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको साफ दिख रहा है, एक बार आप लोग भी खाली मत बैठो, ट्राई कर लो उसको ताकि प्रैक्टिस हो जाए, गड़बड़ ना हो। इन प्रॉब्लम में सिली मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक नहीं होती, सिली मिस्टेक हो जाती है, जो वही सीरीज का पैरेलल में फॉर्मूला लगा जाते हैं, पैरेलल का सीरीज में या कुछ एलसीएम में गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा केयरफुली करना। ये हो गया 3K, ये हो गया हमारे पास 2K, इधर हो गया हमारे पास K। अब ये तीनों के तीनों सीरीज में आ गए तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 1 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई K प्लस 1 बाई 2K प्लस 1 बाई 3K, एलसीएम हो गया 6K, ठीक है ना। इधर मेरे पास आ गया 3 2 जा 6 और इधर आ गया 3 और इधर आ गया 6, यानी K इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 6K बाय 11। तो आप भी जब डायग्राम दे रखा हो, पेपर के अंदर स्पेस दे रखे हो, वहीं कूद पड़ना, वहीं सॉल्व कर लेना, अलग से स्पेस लेकर के करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 बाई अंडर रूट एम बाई 6K बाई 11, तो एम बाई 6K बाई 11, तो 11 एम बाई 6K नीचे आना चाहिए, यानी ये रिजल्ट हमारा इसका राइट आंसर है। समझ आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। पढ़ो, ये कह रहा है मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ठीक है ना, ये भी मेरे को बहुत जगह दिखा था प्रॉब्लम, मतलब अच्छी जगह पर, बुरी जगह पर नहीं, तो अच्छी जगह पर देखा था इसलिए मैंने इसको रखा। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते चलते इसको भी कर लेते हैं, देखें क्या है इसमें, ऐसा कुछ खा और इस जैसा मिलता जुलता प्रॉब्लम आपके नीट में आया हुआ है, रखा है मैंने। कह रहे मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड इज पुल्ड अ लिटिल एंड रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड टी। क्या करना चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तो टी की इक्वेशन हो गई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। अब ये कहता है If the mass is increased by m, यानी अब नए mass की value m plus m हो गई, ठीक है ना, then the time period becomes 5t by 4, equation बनाते जाओ, तो 5t by 4 हो गया 2 pi under root m plus m divided by k, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको m by m का ratio निकालना है, सबसे पहले इनका ratio ले लो, तो अगर मैं इनका ratio ले लूँ तो ये upon ये कर लेते हैं तो बन जाएगा 5 by 4, और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग भी कर देते हैं एक साथ, ठीक है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 25 by 16 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, इनको सेपरेट कर लो तो 25 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, यहां से स्मॉल एम बाय कैपिटल एम की वैल्यू मेरे पास आ गई विच इज 9 by 16, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सिंपल सा था, बस इक्वेशन के मैनेजमेंट के ऊपर बेस था, राइट आंसर हमारा ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है वेटलेस स्प्रिंग विच हैज फोर्स्ड कॉन्स्टेंट ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी एन। अब देखो टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कोई बात नहीं, 1/n कर लेना टाइम पीरियड को, ठीक है। व्हेन अ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, तो मैं लिख रहा हूं 1/n यानी टाइम पीरियड की वैल्यू 1/frequency इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। आगे
ये कह रहे द स्प्रिंग इज कट इन टू इक्वल हाफ एंड अ मास 2 mm इज सस्पेंडेड. तो यानी कटिंग ऑफ स्प्रिंग का सवाल है. तो जैसे ये स्प्रिंग दे रखी है, दो इक्वल हाफ में काटा, तो दोनों पार्ट की लेंथ बराबर है, एल और एल ले लो. तो अब इस पार्ट का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालोगे, क्या लगाएंगे, के इंटू टोटल लेंथ, ठीक है ना, अपॉन उस पोर्शन का लेंथ. तो ये कटा, आंसर आ गया 2K. तो K1 K2 दोनों के वैल्यू हाफ करने पर 2K हो जाएंगे, 1/3 करेंगे 3K हो जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट है. 1:2:3 के रेशियो में करेंगे तो फिर आप रेशियो लेकर के उसको निकाल लो, ठीक है ना. तो K1 आ गया, K2 आ गया. अब ये कहता है कट इन टू इक्वल हाफ एंड अ मास 2 mm इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट. तो अब इसमें से किसी एक से हम 2 mm का मास सस्पेंड कर रहे हैं, तो अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा या नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/n' बराबर 2π मास है 2 mm और स्प्रिंग कांस्टेंट कटे हुए पोर्शन का भी 2K हो गया. तो आप जरा चेक करो, 2 गया, यानी n' और इसकी वैल्यू सेम है, यानी दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1/n, मतलब n' का वैल्यू, नई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुरानी फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है, कोई चेंज नहीं है. राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया. चलते हैं आगे. नेक्स्ट, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी बहुत सारी जगह एडवांस लेवल में मेरे को मिला, शायद मैंने पहले भी कराया हुआ होगा आपको इसको, ठीक है ना. मैंने वापस से रखा है ताकि आप इसको फिर से रिवाइज कर लो. पढ़ो, ये कह रहा है मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग, एन एडिशनल मास m डिस्प्लेसेस स्प्रिंग बाय फर्दर x, ठीक है ना. नाउ द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट ऑन द स्प्रिंग विद अ पीरियड. अप्रोच क्या रहेगी, तो ये कहता है m मास सस्पेंड करते हैं स्प्रिंग से, और जब हम एडिशनल मास m लगाते हैं तो वो फर्दर x डिस्टेंस से उसको खींच लेता है. इसका सेंटेंस का मतलब, तो मान लो मैंने कैपिटल m का मास लगाया, तो ये स्प्रिंग को x1 खींच लाया, ठीक है. अब हम कहां से, नॉर्मल पोजीशन से, अब हम इसमें एडिशनल मास स्मॉल m का और जोड़ देते हैं, तो m प्लस m मास कर देते हैं. तो ये क्या करता है, x डिस्टेंस और खींच के ले आता है, x1 तो पहले से खींचा था, ठीक है ना. अब क्या करेंगे, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करके, अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हमें k नहीं पता, ठीक है ना. अगर हमें k पता होता सवाल एक लाइन में हो गया होता. तो मैं यहां फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूं, नीचे लगा mg, ऊपर लगा kx1, तो इक्वेशन बन गई kx1 बराबर कैपिटल mg. अब देखो, हम k की वैल्यू तो यहां से भी निकाल सकते थे, बट हमें x1 नहीं पता, ठीक है ना. हमें पता है x, तो अब हमें सेकंड इक्वेशन पे जाना पड़ेगा. इक्वेशन बनाई m प्लस m टाइम्स g इक्वल्स टू k टाइम्स x प्लस k टाइम्स x1. अब क्या करते हैं, kx1 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा m प्लस m टाइम्स g, ठीक है ना, equals to kx plus capital mg. अब देखो, दोनों तरफ capital mg निकल गया, यानी ये जो additional mass था, ये additional spring force के बराबर हो गया. डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको पहले से नॉलेज है. तो आपने यहां से अपना एम पूरा कर लिया, k का वैल्यू निकाल लिया, स्मॉल mg डिवाइडेड बाय x. अब हम टाइम पीरियड का वैल्यू लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2π, मास हो गया m प्लस m, डिवाइडेड बाय k की जगह आ गया मेरे पास स्मॉल mg, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x, तो x ऊपर चला गया. अब ध्यान से देखना इसमें कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. तो 2π m प्लस m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल mg, तो हमारा राइट आंसर है ये वाला, ठीक है ना. दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है. तो ऐसे जिस भी तरीके के प्रॉब्लम अब आपके स्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं, आपको जरूर कर लेना चाहिए. चलते हैं आगे. नेक्स्ट, अब देखो, ये कुछ और नहीं मिला, तो ये एक तरीके का मैं बोलूँ तो मैच द कॉलम ही है. आप ऑप्शन देखो कि ए का ऑप्शन सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो मैच द कॉलम को एक नए तरीके से देने का तरीका ये भी था, इसलिए मैंने इसको रख दिया. आ जाओ देखते हैं. तो ये कह रहा है ये चार सेटअप दे रखे हैं, ये इनके टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो बताओ इनमें से किसका किसका कौन सा टाइम पीरियड होगा. तो बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई. तो ये हमने सीधे स्प्रिंग मास से अटैच कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड तो 2π√m/k हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा. इसमें मास सीधे स्प्रिंग से अटैच्ड है, पुली जो है वो ऑसिलेट कर नहीं सकती, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड भी 2π√m/k हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना. अब सोचो PQRS होते तो हम इजीली मैच कर लेते इसको. अब यहाँ स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 जाएगा, तो टाइम पीरियड 2π√m/k/4 हो जाएगा.
ये अपने सामने वाले को भी स्प्रिंग बना देगा और दोनों डबल स्प्रिंग कांस्टेंट के हो जाएंगे, यानी इसमें कंट्रीब्यूशन 4k हो जाएगा। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4k, ऐसे करके एग्जाम में सवाल होते हैं। ये नहीं कि वहां बैठ के आप खींच रहे हो, ठीक है ना, आपने मास को खींचा पता चले खुद ही खींच गए, ठीक है ना, आपने मास को यहाँ पर खींचा फिर लगे पड़े हो नापने में कि भाई ये कितना खींचा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्प्रिंग फोर्स कितनी है, टेंशन कितनी है। इतने में तो जिसको आता होगा वो दो सवाल और करके निकल लेगा, रैंक पीछे रह जाएगी, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर हमें सारे के सारे जुगाड़ तंत्र भी लगाने होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। खाली थ्योरी पढ़ के आप स्प्रिंग सिस्टम में क्या थ्योरी पढ़ के जाओगे, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, इसके अलावा और क्या थ्योरी है। ये मेन खेल है जो प्रैक्टिस सेशन का खेल है, जितनी स्ट्रांग प्रैक्टिस उतना जल्दी और उतना परफेक्टली आपका हाथ एग्जाम के अंदर चलेगा और सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा, यही तो करना है हमें। तो अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, तो इसका फर्स्ट, अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये है सेकंड, और ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा फोर्थ, ठीक है ना। तो 1 1 2 4, देखो मैं किसमें, इसमें नहीं है, 1 1 3 2 ये नहीं है, 1 1 2 3 4 नहीं, सॉरी 1 1 2 3, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं, ये भी नहीं है, 1 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ये एक मैच द कॉलम को देने का एक अल्टरनेटिव तरीका मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो इस सवाल का फायदा क्या था, मैं आपसे चार सवाल पूछता, जगह भरता, तो फिर मैंने एक ही बार में चारों निपटा डाले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया, आपको भी समझ आ गया, और रिवीजन के टाइम पे चारों चीजें एक जगह रहेंगी, आपको ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये तो अपना दोस्त है, ठीक है ना, आ जाओ। तो स्प्रिंग इसका फोर्स कॉन्स्टेंट के है, इस वक्त हमारे दोस्त ऐसे ही सवाल है, ठीक है ना, जिनसे हमारी जान पहचान हो रखी है, बाकी इस वक्त कोई दोस्त यार काम नहीं आएगा, इस वक्त आपको सवालों से आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है यही काम आती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, इनसे दोस्ती करो, एग्जाम में आपका साथ यही देने वाले हैं, बाकी तो कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं जाऊंगा एग्जाम में, तो आपको ही लड़ाई लड़नी है, तो इनसे दोस्ती करो। तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पहले निकालना पड़ेगा, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, अब ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो पूरा क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, मैंने बिना बताया कर दिया, समझ तो आ गया होगा, ठीक है ना, ये 45, ये 45 हो गया, तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर 45, के कॉस स्क्वायर 45, तो 2k cos स्क्वायर 45, ठीक है, cos 45 1 बाय रूट 2 हो गया, स्क्वायर होकर के 2 हो गया, 2 2 कट गया, फाइनल आंसर आ गया 2k। तो टाइम पीरियड की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया b वाला, ठीक है ना। तो इनसे दोस्ती करो, एग्जाम में काम आएगा आपके रिजल्ट, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब ये हमारा बहुत ही सिंपल यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट है, ये हम यूट्यूब वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में देख ही लेंगे, अभी बस ये मैंने इसलिए रखा है ताकि एक बार एसएचएम में इसका रिवीजन हो जाए। तो क्या किया गया, हमने यूट्यूब को दोनों तरफ से लिक्विड से फिल कर दिया, लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेते हैं, वर्टिकल हाइट एच ले लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से लिक्विड को नीचे डिस्प्लेस करेंगे, मान लो यहाँ से नीचे मैंने एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में क्रिएट हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस अपना वही एच रो जी के बराबर होता है, तो फट से हमने प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू निकाली, तो दिस प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू, ठीक है ना, 2x रो जी। अब फोर्स निकाली, ये फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लें तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, तो 2x रो जी ए, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब इसमें से x अलग हटा दो तो 2 रो जी ए इज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, माइनस मैंने नहीं लगाया वो, ठीक है लगा लेंगे कोई बड़ा काम नहीं है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2 रो जी ए, ठीक है ना, ये इसका पहला वर्जन है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो ऑसिलेशन होते हैं इनमें कभी आप सोच के जाते हो 2 पाई अंडर रूट एच, भाई जी मेरे को पता आपको पता ये चीज, ठीक है ना, ये मैं टाइम पास तो कर नहीं रहा था इसके अंदर, तो ये क्या होता है आप याद करके जाते हो 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, एग्जामिनर है बहुत चला, ठीक है ना, वो क्या करता है वो एम वाला रिजल्ट दे देता है, फिर आप वहां पर हैरान परेशान, ठीक है ना, कि अब क्या करें, इसलिए मैं सारी चीज बता रहा हूं। तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2 रो जी ए, ये हो गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ लिक्विड। अब मास को हम डेंसिटी इन टू वॉल्यूम से ब्रेक करेंगे तो ये रिजल्ट मॉडिफाई होके आ जाएगा, आपने डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी तो रो ही है, वॉल्यूम ए इन टू एच इधर का एज वेल एज ए इन टू एच इधर का, यानी टोटल मास ही हमें लेना है, ठीक है ना, तो वो 2 2 भी कट जाएगा और फाइनल फॉर्मूला जो अब आप पढ़ते हो वही आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, एच इसकी वर्टिकल हाइट हो गई। तो दोनों रिजल्ट्स याद रखने हैं,
इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, एग्जामिनर इसके अंदर कुछ नहीं लगाता, रॉकेट साइंस, वो सीधे रिजल्ट ही पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये टनल वाला, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ये भी एज इट इज फॉर्मूला बना करके पूछा जाता है। क्या किया ये, मतलब घर से खाली थे, धरती के अंदर टनल बना दी भाई साहब, बताओ, और कुछ नहीं मिला, अर्थ के अंदर टनल बना दी, वो भी स्मूथ टनल, ठीक है ना, पता नहीं कैसे बनाई, पर चलो जिसने भी बनाई तो बनाई। अब मेरे को ये समझ नहीं आता है इस स्मूथ टनल का आप मेडिकल वालों के लिए क्या काम, आप कौन सा धरती के अंदर गड्ढे खोदोगे बैठ करके, ठीक है ना, बट फिर भी बना दी तो बना दी, अब करना तो पड़ेगा। तो अर्थ के अंदर टनल बना दी, ये कहता है अब इसमें टनल में हम एम मास को छोड़ें तो ये ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड बताओ। अब ये बताओ आपको डॉक्टर बन के क्या यही काम करना है क्या, कि टनल के अंदर आपने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया और उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हो, इतने खाली तोड़ना होते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये बस खाली यार थोड़ा सा टाइम पास है, ठीक है ना, ये एक महीना बचा है, बस इसमें टाइम पास कर लो, चीज़ें सीख लो, डॉक्टर बन जाओगे, ये सब नहीं करना पड़ेगा, और वरना नहीं तो फिर अगले साल भी धरती खोदते हुए दिखाई दोगे, ठीक है ना, यही काम करने पड़ेंगे अगले साल। तो च्वाइस आपकी, अगले साल भी आपको धरती खोदनी है या फिर अभी आपको सिलेक्ट होकर के डॉक्टर बनना है, तो जो डिसीजन लेना है वो आपके हाथ में है। मैं तो बस खाली सिंपल पढ़ाई रहा हूँ मजे लेते हुए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एम मास है जिसको हमने टनल में छोड़ दिया, ये कहता है ये SHM करेगा, इसका टाइम पीरियड बताओ। तो भाई अर्थ के अंदर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ले लेते हैं, यहाँ से इसकी डेप्थ डी ले लेते हैं, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला तो जानते हो, ठीक है ना, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा, एम जी डैश, जी डैश की वैल्यू डाल दी हमने, जी वन माइनस डी बाई आर ई, ठीक है ना, मॉडिफाई किया तो जी वन माइनस डी बाई आर ई, यानी आर ई माइनस डी बाई आर ई। अब आर ई माइनस डी क्या हो गया, वो तो एक्स के ही बराबर हो गया, यानी ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आ गई वो आ गई एम जी बाई आर ई टाइम्स एक्स। अब इसमें से एक्स को अलग हटा दो, ये इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट हो गया जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पुट करते ही टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2π√r e बाई जी। अब इसको भी और मॉडिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल देते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होगी 6400 किलोमीटर, मतलब 64 × 10⁵ मीटर, जी की वैल्यू हो गई 10, ये यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया इसका रूट होकर के 8, और इधर से हमारे पास आ गया 800 आ गया बेसिकली, तो 2π × 800 ये सेकंड में चल रहा है, ठीक है, तो 1600π सेकंड, या फिर आप इसको नियरली याद कर सकते हो कि ये सेकंड में है टाइम पीरियड, ध्यान रखना, कई बार ये मिनट में पूछ लेता है, तो मिनट में आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हो कि ये मिनट में होता है 84 मिनट, तो ध्यान रख लेना इसको, कुछ खास तो नहीं है, 60 से डिवाइड करो अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ मिनट इसका वैल्यू आ जाएगा 84 मिनट, सेकंड का टर्म में 1600π। तो ये भी रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसके अंदर और क्या पूछ सकता है, ये पूछे नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम बता दो, तो यार ये पूरा ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट होता है तो टाइम टी है, तो ये तो 1/4 है, तो टाइम हो जाएगा हमारा T/4, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर मान लो ये कहे नहीं मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी बताओ इसकी, ठीक है ना, अब क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा SHM, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ होकर के आप मेरे से सीख रहे हो, सबने पढ़ रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है A ओमेगा, यही होती है ना। तो अगर आपसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछे तो डरने घबराने मैकेनिकल ये वो करने की ये नहीं कि वहाँ पे फैल गए कि नहीं हमारे तो सारे कंसेप्ट ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, आज हम फ्री हैं घर से, ठीक है ना, हम यहाँ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाएंगे, हम उससे भी फ्री है, तो ऐसा नहीं करना। जो सबसे सिंपल तरीका वो लगाओ वो है SHM का कंसेप्ट कि मेन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी A ओमेगा होती है। तो इधर की अगर वेलोसिटी मेरे को पूछी गई तो मैं लगाऊंगा A ओमेगा, ना मैं मैकेनिकल लगा रहा ना मैं ब्रह्मास्त्र लगा रहा, एम्पलीट्यूड या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, और ओमेगा हो जाएगा अपना 2π/T, और टी अपना वो निकला रखा है 2π√r e/g। तो ऐसे करके स्मार्ट वर्क करते हुए हम लोग एग्जाम के अंदर अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। अब सोचो मैकेनिकल लगाते जिंदगी खराब करते आती तो उससे भी वेलोसिटी पर देर से आती, एम क्या है जल्दी से जल्दी फिजिक्स का पेपर खत्म हो, ठीक है ना, यही तो एम, और क्या, ही थोड़ा फिजिक्स 1.5 घंटे में खत्म करने वाले हैं, जल्दी खत्म करनी है, चलते आगे। अब देखो ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, अब ये लिक्विड, इस पे न्यूमेरिकल मैंने रखा है वो मैं आपको अभी कराऊंगा थोड़ी सी देर के बाद, पहले आप कंसेप्ट सीखो। तो ये ब्लॉक जो है एम मास का है, डेंसिटी इसकी हम सिग्मा ले लेते हैं,
ये रो डेंसिटी के लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है तो अब थ्रस्ट और वेट बराबर होते हैं। हम इसको थोड़ा सा अंदर पुश करते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है। इसको ऑसिलेट कराने वाली रीस्टोरिंग फोर्स होती है अप थ्रस्ट की, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको अंदर पुश करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट आता है, जैसे एक्स डिस्टेंस आपने पुश करा तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला रो वी जी होता है, वी को ब्रेक करेंगे तो ए इंटू एक्स आ जाएगा। तो अप थ्रस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी रो वी जी, ठीक है ना, जो हमारे पुश करने से आएगा, और रो इस एक्स्ट्रा वी की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स इंटू जी। अब इसमें से आप एक्स को बाहर फेंक दो तो रो ए जी टाइम्स एक्स हो गया और ये इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट हो गया। तो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाय रो ए जी, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका फर्स्ट फॉर्मूला। अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगर हम एम को यहां पुट कर दें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, तो इसकी हाइट हम एच ले लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया सिग्मा इंटू ए इंटू एच हो गया, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू सॉरी मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी सिग्मा इंटू ए इंटू एच पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला, एम की जगह आ गया सिग्मा, ए कट गया, सिग्मा एच बाय रो जी, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, इनमें से कुछ भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसलिए सारे बता रहा हूं, नहीं तो मैं लिख करके चल देता ये। अब तीसरी चीज, ये जो सिग्मा एच बाय रो है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं पोर्शन ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। कैसे आता है, क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो ऊपर लगने वाला अप थ्रस्ट नीचे लगने वाले वेट के बराबर होता होगा। अब ऊपर लगने वाला अप थ्रस्ट है रो ए एच जी, नीचे लगने वाला वेट है सिग्मा ए एच जी, बराबर करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्स्ड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच Equals to sigma by rho। यहां से आप देख सकते हैं small h की value sigma h by rho के बराबर होती है, इसलिए तीसरा formula हमारा modified आ जाएगा 2 by under root h by g। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ formula, पर अगर यही सस्ता सुंदर याद करके चले गए और महंगा वाला formula आ गया तो फिर आपसे खर्च नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए हर चीज देखी हुई होनी जरूरी है एग्जाम से पहले। तो ये तीन अल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं जिनमें एग्जामिनर अपने हिसाब से खेलता है, मैंने भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूं सवाल, चलो देखो पढ़ो। कह रहे लैक्टोमीटर ऑफ मास 0.2 ग्राम, तो हमें मास दे रखा है 0.2 ग्राम यानी 10 की पावर माइनस 3 कर लेता हूं, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 केजी, ये हमें लैक्टोमीटर का मास दे रखा है। इस फ्लोटिंग अपराइट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9, तो ये रहा लैक्टोमीटर जो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है अपराइट वर्टिकली। लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी 0.9 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब इज इतना, तो हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख लेता हूं मैं इसको मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ द लैक्टोमीटर इज स्लाइटली प्रेस्ड इन लिक्विड एंड रिलीज देन टाइम पीरियड ऑफ मोशन। अब सोचो अगर आप सस्ता वाला फॉर्मूला याद करके गए होते, ठीक है ना, यहाँ आपके लेने के देने पड़ जाते क्योंकि हम मास के टर्म वाला फॉर्मूला चाहिए, तो टाइम टू टाइम ये मॉडिफाई करते रहते हैं। तीन डिफरेंट रिजल्ट है, इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, फिर एग्जाम के लिए आप अप्रोच करना, आपका सवाल ये गलत नहीं होगा। आप लगा लें तो अब टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन रो ए जी, ठीक है ना। यहां से हमारे पास टी का वैल्यू आ गया, 2 पाई को पढ़ा रहने दो आप बाहर, मास की जगह मेरे पास आ गया 2 × 10⁻⁴, ठीक है। डेंसिटी लिक्विड की 0.9 है तो मैं इसको चलो 0.9 ही लिखा रहने देता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डाला 5 × 10⁵ टाइम्स जी की जगह आ गया 10, तो ये रिजल्ट तो हो गया अपना 9, ठीक है ना। ये ऊपर बचा 10, 20/5 हो गया हमारा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2π√4/9, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 4π/3। अब 4π/3 देखो किसमें आंसर दे रखे हैं, आंसर मिली सेकंड में और सेकंड में दे रखे हैं, तो ये पाई बाई थ्री 1 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये 4.19 ही आ गया, 4.19 सेकंड, राइट आंसर हो गया हमारा ए वाला करेक्ट। मेरे ख्याल से आराम से समझ आ गया होगा, एप्लीकेशन सीखते जाना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास दोस्त है यार ये अपना सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी बड़ा ही सिंपल होता है, 2π√L/g-effective, g-effective रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है उन फोर्सेस का जो टॉर्क देती हैं, यानी टेंशन छोड़ करके जो फोर्स बची उनका नेट एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे डिफरेंट केसेस देखो, डिफरेंट केसेस में आ जाता है ये लिफ्ट वाला, ये तो लिफ्ट वाले तो आप लॉज ऑफ मोशन में सीख ही चुके हो। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो इसका g-effective कितना हो जाएगा, g+a,
नीचे की तरफ ए है तो जी माइनस ए हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसे में जो अपना एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट का वो जीरो हो जाएगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू जी हो जाएगा। और अगर हमने लिफ्ट को फ्री फॉल करा दिया तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे रिजल्ट है। नेक्स्ट, अब ये एक्सेलरेटिंग व्हीकल के अंदर है तो इसमें आप व्हीकल के अंदर से ऑब्जर्व करोगे सूडो लग जाएगा, नीचे एम जी लग जाएगा, जी इफेक्टिव निकालेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। अब जो इस वक्त ये पूछे कैसे आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो भाई आपके बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। कैसे आ गया का मतलब पता होना चाहिए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का रिजल्टेंट कितना होता है अंडर रूट जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगाया है, ठीक है। तो अब आप यहां से इसको वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये अपना सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर में क्या सिखाया, एक्सिस पे बैठ जाओ, सूडो लगाओ, सूडो लगाई बाहर की तरफ, एम ए की सूडो लगी, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, सेंट्रिपिटल हो गया, वी स्क्वायर बाय आर, नीचे की तरफ जी है, दोनों अगेन 90 डिग्री के एंगल पर है, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो वही चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फील्ड के अंदर आ जाए, पहले लिक्विड वाला बता दूं फिर मैं फील्ड वाला बताता हूँ, न्यूमेरिकल भी है इस पे, ठीक है ना। तो देखो लिक्विड के अंदर अपथ्रस्ट लग गया, जब बॉडी पूरी तरह लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होती है अपथ्रस्ट रो बाय सिग्मा एम जी हो जाता है। अब अगर आप इसका जी इफेक्टिव निकालेंगे, एम हटा दो तो बचा जी माइनस रो बाय सिग्मा जी, ठीक है ना, ये इसका जी इफेक्टिव हो गया। तो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा, इस पे न्यूमेरिकल है, मैं आगे अभी दिखाता हूँ। नेक्स्ट, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पर बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है ना, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग गई क्यू ई की, नीचे की तरफ अपना एम जी लग गया, ठीक है। अब आपको जी इफेक्टिव निकालना है, इसका एक्सेलरेशन जी हो गया, इसका क्यू ई बाय एम हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जी इफेक्टिव हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। कई बार ये इक्विलिब्रियम का एंगल पूछ लेते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ बाय एम जी, जैसा मैंने आपको थर्ड चार्ज सिस्टम में सिखाया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब प्रॉब्लम की बारी, इसमें हमारे पास ये पहला प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो ये लिफ्ट वाला, ये बहुत सिंपल होता है बट मैंने फिर भी जानबूझ के रखा है ताकि एक बार आपका फ्लो बन जाए इसमें। तो पढ़ो, ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज टी नॉट, तो टी नॉट हमारे पास टाइम पीरियड है इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, तो इस टी नॉट की वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आगे, इफ द लिफ्ट मूव अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए, यानी ये हो जाएगा 6g, देन टाइम पीरियड विल बी, तो नया टाइम पीरियड हमें चाहिए टी डैश, तो दिस न्यू टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय 6g, ठीक है, सिंपल था ये, आ गया होगा। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो टी नॉट बाय टी डैश इज इक्वल्स टू रूट अंडर 6, तो टी डैश की वैल्यू हमारे पास आई टी नॉट बाय रूट 6। अब देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो टी नॉट बाय रूट 6 इज सेम तो नहीं है, इंक्रीज बाय 3/5 ऐसा भी नहीं है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय 2/3 2/3 भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा फिट नहीं हो रहा, टी नॉट बाय रूट 6 आ रहा है, तो डिक्रीजेज बाय 1/√6 होता तो हमारा ऑप्शन सही चलता। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने इसको डाउट में पूछा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी एक बार चलते चलते खत्म कर देते हैं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी के अंदर पेंडुलम है, इसको भी निपटा देते हैं। तो कई लोगों ने इसे याद कर रखा है, अच्छी बात है, याद भी रहना चाहिए आपको लास्ट मोमेंट पे। तो ये रही व्हीकल जो इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल का है उसके ऊपर जा रहा है। तो देखो प्रोसीजर तो बड़ा सिंपल है, वो मैं आपको दे दूँ। ये इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर आप जानते हो जी साइन अल्फा होता है। अब इस पेंडुलम को देखना है रिलेटिवली, तभी ये ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। तो रिलेटिवली देखोगे तो ये ए इधर की तरफ आ जाएगा, तो ए इधर की तरफ हो गया, जी नीचे की तरफ हो गया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए इनका नेट एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं जी साइन अल्फा, तो अब हमें कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो जरा कंपोनेंट के बारे में गौर करना, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ए का जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट विल बी ए कॉस अल्फा, ठीक, इधर जो आ जाएगा दैट विल बी ए साइन अल्फा, अभी भी आगे चलना है, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता ये कैसे होता है वो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो वापस से इधर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ए की वैल्यू डाल देते हैं विच इज जी साइन अल्फा, तो इधर बचा मेरे पास जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर मैं आपको डायरेक्ट एक सिंपल सी ट्रिक दे दूंगा, वो याद रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इधर साइड ए का जो कंपोनेंट आया था वो था ए साइन अल्फा, ए की वैल्यू डाल देते हैं
तो जी साइन स्क्वायर अल्फा नीचे की तरफ जी हो गया, आई थिंक इतने तक भी समझ आ गया होगा। प्रोसीजर देख लो, प्रोसीजर लेंथी है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं इसका रिजल्ट ही याद कर लेते हैं, क्योंकि कौन इसमें माथा मारेगा बैठ के एग्जाम में, बेहतर हम डायरेक्ट टिक करके आ जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो नेट नीचे की तरफ आया, जी वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट विल बी जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इधर साइड आ जाएगा जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल लो, यानी जी इफेक्टिव निकाल लो, तो ये हो गया इसका जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया, अब दोनों में से पहले कॉमन ले लो, वो हो गया जी कॉस अल्फा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर बचेगा, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कई कहेंगे जी कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा कैसे आ गया, सब छोटे छोटे डाउट होते हैं यार, जी कॉस अल्फा कॉमन लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन हुआ, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा वन, तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी कॉस अल्फा। तो डायरेक्ट याद रख लो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर गाड़ी दौड़ रही है तो इसका जी इफेक्टिव जी कॉस अल्फा होता है, ठीक है ना, आप इस सब चीजों से बच जाओगे। अब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस अल्फा, काम खत्म। तो टू पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस अल्फा के हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर आ गया ए वाला। चलते हैं आगे, समझ आ गया ना, तो डायरेक्ट इसका जी इफेक्टिव ध्यान रख लो, जी कॉस अल्फा आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ो, ये कह रहा है सिंपल पेंडुलम विद अ सॉलिड मेटल बॉब हैज अ पीरियड टी, द मेटल बॉब इज नाउ इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो पहले मैं टी का वैल्यू लिख लूं, तो टी का फॉर्मूला हो गया टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हमने इसे लिक्विड में इमर्स कर दिया, ठीक है ना, तो पहले लिक्विड के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई अंडर रूट एल बाई जी वन माइनस रो बाई सिग्मा डायरेक्ट लिखना, तो नया टाइम पीरियड टी डैश आ गया टू पाई अंडर रूट एल बाई जी वन माइनस रो बाय सिग्मा। अब ये डेंसिटी के बारे में कुछ बोल रहा है, लिक्विड हैविंग डेंसिटी वन टेंथ दैट ऑफ मेटल बॉब, यानी रो बाय सिग्मा की वैल्यू हो गई वन बाय टेन, तो यहां पर बचा हमारे पास टू पाई अंडर रूट एल बाय जी वन माइनस वन बाय टेन विच इज नाइन बाय टेन, समझ आ गया होगा। तो टी डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई टू पाई अंडर रूट टेन बाय नाइन एल बाय जी, जिसको हम लिख सकते हैं टी डैश इक्वल्स टू रूट टेन बाय नाइन, ठीक है ना, टाइम्स टी, तो रूट टेन बाय नाइन टाइम्स टी, ये हो गया इसका नया टाइम पीरियड, दैट मींस आंसर नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं आगे, अब हमारे सामने आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या क्या हमने किया एक बार समझ लो, हमने हर तरीके का स्प्रिंग मास सिस्टम देख लिया, हमने हर तरीके का पेंडुलम देख लिया, ये दो पेटेंटेड है आपके रिजल्ट के अंदर, इनमें से फंसा तो फंसा, नहीं तो इक्वेशन से तो 100% आ जाएगा सवाल, आएगा ही जरूर। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब हम बॉडी की इसकी SHM करते हुए बॉडी की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं f बराबर माइनस के x को ब्रेक करके, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ठीक है ना। तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ओमेगा अपना वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर आपको ओमेगा का रिजल्ट चाहिए तो ये अपना वही हो जाएगा अंडर रूट के बाय एम। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है डिस्प्लेसमेंट की, और वो इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, जिसमें मैं अभी इनिशियल फेज भी बताऊंगा। ये फाइ नॉट होता है इनिशियल फेज, इसका क्या मतलब है अभी देख लेना, a होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t हो गया जनरल टाइम, ठीक है ना। अच्छा, ये x कहाँ से लिया जाता है, ये x होता है पोजिशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ये पोजिशन ऑफ बॉडी होता है, और ये x हम लोग लेते हैं कहाँ से, मेन पोजिशन से। तो हमेशा ध्यान रखना, ये x हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेन पोजिशन से, मेन पोजिशन से ही डिस्प्लेस कराते हैं, तब बॉडी उस मेन पोजिशन के अबाउट क्या करती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है ना। क्यों करती है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आप वर्क पावर एनर्जी में देख चुके हो। अब जरा एनालिसिस देखो, तो ये मेन पोजिशन के अबाउट यूं करके ऑसिलेट कर रही है, तो यहां से लेकर के यहां जाना और वापस यहां लौट करके आना एक टाइम पीरियड हो गया। तो इधर से इधर जाने का टाइम t बाय फोर, ये भी t बाय फोर, ठीक है ना, ये वन फोर्थ ऑसिलेशन हुआ, ये फिर से t बाय फोर, और ये फिर से t बाय फोर, ठीक है। अब फेजर डायग्राम क्या होता है और फेजर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं, इस ए रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक ए रेडियस का सर्कल बना लिया, अब ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है और ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। हम लोग पार्टिकल को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पर एक्स पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट मेरा सिस्टम है वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना, मैं उसी से सिखा रहा हूँ। तो ये पोजीशन हो गई एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये प्लस ए, ये माइनस ए, ठीक है ना। अब हम अपने इस पार्टिकल को उसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी ओमेगा से। आपको करना क्या है बताता हूँ, रेडियस है ए, ठीक है ना,
तो टी इक्वल्स टू जीरो के टाइम पर, जैसे आप इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे, बचेगा क्या, फाई नॉट। तो टी इक्वल्स टू जीरो के टाइम पर ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से जितने एंगल पर होता है, इस एंगल को बोलते हैं इनिशियल फेस। ठीक है, अब अगर सर पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा था आपने, तो ये सर्कल में बना दिया, उसका भी जवाब दे रहा हूं। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल जितने एंगल पर होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी उस डायरेक्शन में जिसमें हम उसको घुमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेस। अब हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल जो एंगल कवर करेगा, ये एंगल कवर्ड हो जाएगा ओमेगा टी। तो आप टोटल एंगल नापो कितना हो गया, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। अब आप इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लो, यानी हम पार्टिकल का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बट जब हम इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लेते हैं, प्रोजेक्शन लेना मतलब कंपोनेंट करना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा की जगह आ गया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये लो, ये वही इक्वेशन आ गई जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। यानी सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल को घुमाया जाता है और उसका प्रोजेक्शन जब एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, तो वो एक्सिस के ऊपर का प्रोजेक्शन हमें SHM दे देता है। दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। समझ आ गया, जहां पर फाई नॉट क्या होता है, इनिशियल फेज। समझ तो आ गया, मतलब तो क्लियर है, बट क्या होता है एग्जाम में लगाते वक्त डर लगता है। अब ये डर दूर करता हूं, तो सुनो, सर्कल में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हमारा पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमता है, तो आप देखो इसका प्रोजेक्शन जीरो से प्लस ए जाएगा। ठीक है ना भाई, यहां से यहां ले जाओ तो प्रोजेक्शन, पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां से यहां की तरफ चलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पार्टिकल होगा तो ये प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, प्लस ए से जीरो। थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो जीरो से माइनस ए। फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो माइनस ए से जीरो। इसलिए जब भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है ना, तो जीरो से लेकर के प्लस ए जाना ये और कुछ नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है। प्लस ए से जीरो की तरफ आना, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जीरो से माइनस ए जाना, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। और माइनस ए से जीरो की तरफ आना, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब इनिशियल फेज और फेज डिफरेंस के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, जिनकी समझ होना बड़ा जरूरी है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करने हैं इसको। ठीक है ना, तो सुनो, तो मैंने कई सारे एग्जांपल रखे हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे आप ये देख रहे हो, इनमें हम इनिशियल फेज निकालेंगे, फिर मैं आपको फेज डिफरेंस सिखा दूंगा। तो सुनना, अगर आप पार्टिकल का इनिशियल फेज निकालना चाहते हो, आपको सिर्फ दो चीज की जरूरत है। जिन बच्चों को इनिशियल फेज नहीं आता, पहले उनकी शिकायत थी फेज वन में, सर इनिशियल फेज कैसे निकालते हो, वो सिखा दो, सिखा रहा हूं। तो जब भी इनिशियल फेज निकालना हो तो सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है। पहली चीज होती है इसके अंदर पार्टिकल की पोजिशन, ठीक है ना, दूसरी चीज होती है पार्टिकल का डायरेक्शन। दोनों कान खोल करके सुन लेना, ठीक है ना। तो पार्टिकल की पोजिशन और पार्टिकल का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो, पार्टिकल की पोजिशन है a बाय टू, डायरेक्शन है जीरो से प्लस a, ठीक है ना। डायरेक्शन से हमें पार्टिकल का क्वाड्रेंट पता चलता है, हमें पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट से हमने सर्कल बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल दिखाया, ये इसका इनिशियल फेज हो गया। ठीक है, आगे सुनना। अब पोजिशन, तो हमने इसको प्रोजेक्ट किया और ये इसकी पोजिशन हो गई, इनिशियल पोजिशन हो गई t इक्वल्स टू जीरो पर। ध्यान रखना, ये पोजिशन अपना एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेकर के मिलेगी, तो ये हो गया a बाई टू, ये रेडियस था a। अब देखो, आपको निकालना, ये ट्राइंगल इधर बन रहा है, कोई बात नहीं, आप ये एंगल ले लो, तो आप इधर से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो दिस cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 1 बाई टू। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आपको इनिशियल फेस चाहिए, तो थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगा लो, तो फाई नॉट की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी, यानी 30 डिग्री हो जाएगी। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखनी होगी, तो इक्वेशन आ जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। कितना सिंपल था, समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, इसमें पोजीशन ए बाय टू ही है, डायरेक्शन ए से जीरो की तरफ है, तो ए से जीरो की तरफ आना, यानी ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो फट से हम सर्कल बनाएंगे, पार्टिकल को सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, ये इसका इनिशियल फेज हो जाएगा। पोजीशन वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, तो प्रोजेक्शन किया, ये हो गया हमारा ए बाय टू, ये हो गया हमारा ए। ये एंगल वाई एक्सिस से मैंने वही अभी थीटा ही रखा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1 बाई टू आ गई, फिर से थीटा 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो थीटा इसमें 60 डिग्री हो गया, पर हमें चाहिए इनिशियल फेस, तो इनिशियल फेस की वैल्यू हो गई, अब चेक करो, 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 60, यानी 150। तो अब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस 150। तो मेरे ख्याल से आपको पोजिशन और डायरेक्शन से इनिशियल फेस लोकेट करना अब आ गया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है फेज डिफरेंस के ऊपर, ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगा, बहुत सारी वैल्यूज के साथ मिलेगा। जैसे बोल दें कि दो पार्टिकल हैं सेम मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, इनको देखा गया एक ही जगह पर, और वो जगह बताएगा, ध्यान से सुनना है, कि प्लस ए बाय रूट टू पर इनको देखा गया, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। तो प्लस ए बाय रूट टू, अब मैंने तो ए बाय टू दिया, अब ए बाय रूट टू ले लो, रूट थ्री ए बाय, अरे यार वही वैल्यू ले लो जो हम जानते हैं, ठीक है ना, जितने जिनके एंगल्स हमें पता है। तो मान लो मैंने ए बाय टू ले लिया, तो एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कहता है इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, तो वो तो तब बताओगे जब इनके फेज एंगल पता होंगे। तो ये वाला पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फटाफट से लोकेट किया, इसके पोजिशन को ए बाय टू लिखा, ये इसका फेज वन हो गया, ठीक है ना, ये एंगल हमारा वही थीटा हो गया, ये ए हो गया, थीटा की वैल्यू 60 हो गई, फाइ वन की वैल्यू 30 हो गई, सही है। अब सेकंड पार्टिकल की बारी, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना, फटाफट से इसका इनिशियल फेज लिखा, मैं इधर कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, ये इसका इनिशियल फेज हो गया फाइ टू, ठीक है ना, प्रोजेक्शन मारा इसका, ये भी ए बाई टू हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, थीटा का वैल्यू हमारा फिर से 60 डिग्री आ गया, फाइ टू का वैल्यू लिखें तो 150 आ गया, जैसा अभी सिखाया था। अब हमें दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है, तो फाइ टू माइनस फाइ वन हो गया, तो फाइ टू माइनस फाइ वन हमने किया, और यहाँ से रिजल्ट आ गया 150 माइनस 30, दैट मीन्स 120, ऐसे सवाल बन जाते हैं, 2π/3 इसका वैल्यू हो गया। अब ये मान लो ए बाय रूट टू होता, तो ए बाय रूट टू होता तो हम क्या करते, इसकी पोजीशन को ए बाय रूट टू पर दिखाते, कॉस थीटा की वैल्यू 45 आ जाती, फाइ वन की वैल्यू 45 आ जाती, इसी तरह फाइ टू निकालते 90 प्लस 45 हो जाता, डिफरेंस लेते तो हमारा फाइ टू माइनस फाइ वन से फेज डिफरेंस आ जाता। तो ये हो गए हमारे फेज डिफरेंस के प्रॉब्लम, आई थिंक समझ आ जाने चाहिए अब आपको फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और इनमें हम लोग टाइम ऑफ ऑसिलेशन के सवाल देखते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम देखते हैं वो बेस्ड होते हैं अपने पीरियोडिक मोशन पर, ठीक है ना, दिखाऊंगा। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल को जीरो से ए बाय टू, ए बाय टू से ए जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब ये टाइम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता दूं, तो पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल फेज जीरो हो गया, इक्वेशन लिखी ए साइन ओमेगा टी, फट से ए की जगह हमने ए बाय टू डाला, वहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो ये टाइम होता है टी बाय 12, और ए बाय टू से ए जाने का टाइम होता है टी बाय 6। ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बहुत काम की है। तो यहां से यहां तक हुआ 1/4 ऑसिलेशन, ये हो गया 1/8 ऑसिलेशन, ध्यान रखना इसको 1/8 ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो 1/8 ऑसिलेशन में टाइम बराबर नहीं है, पहला 1/8 ऑसिलेशन का टाइम है टी बाय 12, नेक्स्ट 1/8 का है टी बाय 6। अब ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू जाने का टाइम जो है वो टी बाय 8 और टी बाय 8 है, पर ये 1/8 ऑसिलेशन नहीं है क्योंकि यहां पर दोनों के डिस्टेंसेज अलग अलग है, ठीक है ना, बट यहाँ टाइम इक्वल है। तो टाइम इक्वल कहां पर होता है, ए बाय रूट टू पर। अब आप देखो रूट थ्री ए बाय टू पर, तो जो रूट थ्री ए बाय टू पर टाइम है ए बाय टू के जस्ट अपोजिट है, तो यहां से यहां आने का टाइम टी बाय 6 और रूट थ्री ए बाय टू से ए जाने का टाइम टी बाय 12। ये बहुत काम में आते हैं, आप कैसे, तो सुनो, जैसे आप ये एग्जांपल देखो, कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड टी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन। तो मीन पोजिशन, ये ध्यान रख लेना पार्टिकल जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैं इसको मॉडिफाई करके दे दूंगा, मेन पोजीशन से जर्नी स्टार्ट कर रहा है 1/8 ऑसिलेशन, तो हमने ए बाय टू में ब्रेक किया, इधर ए, इधर माइनस ए बाय टू और इधर ए। अब गिनना शुरू करो, ये हो गई 1/8, ये हो गई 1/8, ठीक है ना, हमें 5/8 चाहिए, तो 1/8 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, अब हो गई 5/8, सिंपल है। मान लो 3/8 तो बोलता, ठीक है ना, तो ये हो जाता 3/8। अब वैल्यूज लिखो, टी बाय 12, टी बाय 6, ये टी बाय 6, ये टी बाय 12, ठीक है, और ये टी बाय 12, तो 0 से माइनस ए बाय 2 टी बाय 12, 0 से ए बाय 2 टी बाय 12, तो इस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। अब आप टोटल टाइम दे सकते हो, तो टोटल टाइम का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है, चेक करते हैं, 1, 2, 3, 3 टी बाय 12 प्लस 2 टी बाय 6, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास टी बाय 4 प्लस टी बाय 3, तो 7t/12, तो 7t/12 हो गया 5/8 ऑसिलेशन का टाइम मेन पोजीशन से। मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, मान लो फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन होता, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम होता, अब कितना आता, ठीक है ना, प्रॉब्लम चेंज हो गया। देखो तो मान लो पार्टिकल ने अपनी जर्नी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करी है, तो हर चीज इसमें कवर हो रही है, बेटा ध्यान देकर के सीखना, ये खुद से तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब मॉडिफिकेशन टीचर को सिखाने होते हैं। तो मान लो पार्टिकल यहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, तो 5। अब जरा चेक करो, ये गिनने की जरूरत नहीं, टी बाय 4 होगा, ये गिनने की जरूरत नहीं, टी बाय 4 होगा, ये हमारा हो जाएगा टी बाय 6,
तो टोटल टाइम की वैल्यू हो गई, ठीक है, टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर, टी बाय टू प्लस टी बाय सिक्स, जोड़ करके निकाल लो। यहाँ भी आप यही कर सकते थे, टी बाय फोर प्लस टी बाय ट्वेल्व, तब भी आंसर वही आता। कैसे भी कर लो, रिजल्ट हमारा वही का वही रहता है। तो आई थिंक अब आपके ये टाइम वाले जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो जाने चाहिए, कैसे हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें भी टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, कंपैरेटिवली आसान माना जाता है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करते ही इक्वेशन बन गई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए टी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो अब ये चीज अगर कंपेयर करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट अंडर 80, रूट 80 हो गया 16, 5 जा 80, 4 रूट 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, 2 पाई बाय टी डाला इक्वल्स टू 4 रूट 5 हो गया। यहाँ से टी का वैल्यू मेरे पास आ गया विच इज़ पाई बाय 2 रूट 5, कितना सिंपल है। तो पाई बाय 2 रूट 5 सेकेंड इसका राइट आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो मैंने आपको एक एक चीज़ पे काम करके दिखा दिया, और कहीं पर भी SHM में तो ये नहीं है कि सवाल बहुत लंबा निकल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। नीट में भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं 2 पेंडुलम, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये छोड़ के मत जाना। कहता 2 पेंडुलम है, एक की लेंथ ज़्यादा एक की लेंथ कम है, दोनों ने स्टार्ट किया मेन पोजिशन से स्विंग करना, बताओ सेम फेज में कितने ऑसिलेशन बाद आएंगे, ठीक है, ऐसा सवाल होता है। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 2 पाई अंडर रूट, लेंथ देखो कितनी है 1.21 बाई जी। सेकंड का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी। अब ये कहता है एट सम इंस्टेंट द टू आर एट मीन पोजीशन इन सेम फेज, आफ्टर हाउ मेनी वाइब्रेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम द टू विल बी इन सेम फेज। हमें नहीं पता कितने ऑसिलेशन लेंगे, मान लो पहला वाला एन वन ऑसिलेशन लेता है, दूसरा वाला एन टू ऑसिलेशन लेता है, ठीक है ना। तो एन वन ऑसिलेशन के बाद और एन टू ऑसिलेशन के बाद दोनों सेम फेज में आते हैं, तो एन वन टी वन की वैल्यू एन टू टी टू के बराबर होगी, सिंपल सा प्रोसीजर। अब ये पूरा ड्रामा मत लिखो क्योंकि ये सब तो दाएं बाएं से कट जाएगा, रूट एल लिखो। तो एन वन रूट एल वन, जनरलाइज कर रहा हूँ, एन टू रूट एल टू हो गया, यहाँ से n1 वन बाई एन टू का रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर l2 टू बाई एल वन, ठीक है। अब रूट अंडर l2 टू बाई एल वन ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.21, यानी ये हो गया रूट अंडर 100 डिवाइडेड बाई 121, यानी ये हो गया 10 बाई 11। अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब n1 के 10 ऑसिलेशन लगेंगे, n2 के 11 ऑसिलेशन लगेंगे, तब जाके सेम फेज में आएंगे। 10 भी आंसर है, 11 भी आंसर है, बड़े केयरफुली करना वरना निगेटिव मार्क ले आओगे। हमसे पूछ रहा है लॉन्गर वाली लेंथ वाले पेंडुलम की, लॉन्गर वाली लेंथ वाले पेंडुलम के एन वन ऑसिलेशन है, तो एन वन की वैल्यू कितनी है 10, सही है, उसके ऑसिलेशन कम होंगे, तो राइट आंसर। और अगर शॉर्टर वाले का पूछता तो उसकी लेंथ है कितनी 1 और उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन है एन टू, तो एन टू की वैल्यू होगी 11। तो आफ्टर 10 ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम दे बोथ आर इन सेम फेज, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास आती है वेलोसिटी की इक्वेशन। इसमें 2 से 3 तरीके के वैरायटी के प्रॉब्लम बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपके एग्जाम में आया है। वेलोसिटी की इक्वेशन सिंपल है, वही एक्स वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। वेलोसिटी पोजिशन वाली इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसे वी एक्स में कन्वर्ट किया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वी एक्स की इक्वेशन आ गई। 2-3 तरीके के सवाल, एक तो सवाल इसी इक्वेशन के ऊपर, वो अभी बताऊंगा मैं, दूसरा इसके ग्राफ के ऊपर। तो अब वी एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो स्क्वायरिंग करी मैंने, ठीक ना, ये स्क्वायरिंग करके ओपन किया और इस तरीके से करते हुए हमने इसको अरेंज किया। ये इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी इलिप्स की। तो वी एक्स का ग्राफ इलिप्टिकल ग्राफ होता है, ठीक है ना, जरा चेक करना। ये हो गई हमारी सेमी माइनर एक्सिस, ये हो गई सेमी मेजर एक्सिस, ठीक। तो ग्राफ का नेचर ध्यान से देखो, ये जो इतना पोर्शन है ये और कुछ नहीं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई विच इज ए ओमेगा, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि ए के बराबर हो गया। तो इस ग्राफ में वी वाली एक्सिस पर ये जो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस है, ये और कुछ नहीं मैक्सिमम वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है, और एक्स एक्सिस पर जो सेमी मेजर एक्सिस है वो और कुछ नहीं, वो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी मेन बात थी। और सुनो, अब आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर वेलोसिटी निकाल सकते हो इसमें पोजीशन की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, वो सिंपल सा एस्पेक्ट हो गया। एक्स इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, फिर आप कहीं पर भी वेलोसिटी निकालना चाहो, ए बाय रूट टू पर, ए बाय टू पर, रूट थ्री ए बाय टू पर पुट करो, वेलोसिटी निकाल लो। नेक्स्ट,
अब जो इलिप्स वाला प्रॉब्लम है वो मैंने यहीं का यहीं रख दिया, ठीक है ना, इसको निपटा लेते हैं। पढ़ो, ये कह रहा है प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन, टाइम पीरियड बताओ। बड़े ध्यान से सुनना, ये हमें दे रखा है, ये वेलोसिटी वाली एक्सिस का पोर्शन है, 40 है सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये और कुछ नहीं ए ओमेगा हो गया। तो ए ओमेगा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। ये एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है, ये और कुछ नहीं, ये हमारा ए हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, यानी ए की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, पुट कर दो, जो मर्जी है वो कर दो, ठीक है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करते ही ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों डिवाइड होते हैं 4, ओमेगा को पुट किया 2π/t बराबर 4, टी का वैल्यू मिल गया π/2, तो π/2 सेकंड इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। देखने में ग्राफ डरावना था, बट जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है उसके लिए ऐसे फूक मार के करने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर ये आया तो आप जरूर कर लोगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब देखो, जो मैं बोल रहा था वेलोसिटी और पोजिशन की इक्वेशन पर प्रॉब्लम होता है, जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और मैंने पिछली बार भी कराया था, उससे पिछली बार भी कराया था, इस बार भी करा रहा हूं। तो तरीका क्या है, हमें दो डिफरेंट पोजिशन पर दो डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी होती है। करना क्या होता है, करना इससे टाइम पीरियड निकालना होता है और एम्पलीट्यूड निकालना होता है। तरीका क्या है, तरीका ये है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को लिख लो। कई लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, सुपर पावर मत इस्तेमाल करो, सॉल्व करो, भूल जाओगे, नेगेटिव मार्क आ जाएगा। तो वी एक्स की इक्वेशन हो गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो फटाक से। तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायरिंग हो गई। दो डिफरेंट पोजिशन पर जो दो डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है उनको पुट करके इक्वेशन बिल्डअप कर ली, ये रही आपके सामने। अब अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये पोर्शन एलिमिनेट होते ही मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करते ही ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, समझ गया आप मेरी बात। तो ओमेगा निकालने का तरीका, बस खाली उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट मार दो। अब अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो ओमेगा कट जाएगा और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये याद रखने में भारी है, ठीक है ना, भारी इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है ना, कहाँ स्क्वायर है, तो स्टूडेंट भूल जाता है। नेगेटिव मार्क लाने से बढ़िया प्रॉब्लम थोड़ा सा सेकंड स्टेज में सॉल्व कर लो, फर्स्ट में नहीं करना चाह रहे, सेकंड में कर लो आप इसको, ठीक है ना। हाँ, टाइम पीरियड निकालना है तो फटाक से आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही करना है, बड़ा काम नहीं है। बट एम्पलीट्यूड निकालने में रीअरेंजमेंट है, सेकंड स्टेज में कर लेना, 1.25 मिनट का टाइम लगेगा पर 4 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन पोजीशन के टर्म में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, वो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है ना। ग्राफ देख लो, अच्छा तीनों का फेजर डायग्राम में बता दूँ, तो फेजर डायग्राम अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स एक्सिस पर रखें तो वेलोसिटी की इक्वेशन है कॉस ओमेगा टी, यानी 90 डिग्री से वेलोसिटी लीड कर रही है, तो इधर वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए साइन ओमेगा टी हमारा इधर की तरफ आ जाता है, यानी इसके इसके बीच का फेज एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो अब आप चेक करो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज एंगल 90 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ए और एक्स के बीच का फेज डिफरेंस हो गया पाई। तो ये सिंपल से फेज के ऊपर बेस सवाल है, 2020 में पूछा गया था, मैंने यहीं बता दिया आपको। ग्राफ देख लो, ये हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कॉस ग्राफ है तो इधर से स्टार्ट होगा, माइनस साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, ये इसके ग्राफिकल एस्पेक्ट हो गए। अब मैं आपको एनर्जी की इक्वेशन दिखा देता हूँ। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा ½mv², तो v की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ½m² a² cos² ωt + 5, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ आपका कॉस फंक्शन या टाइम फंक्शन। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कर्व कभी नेगेटिव नहीं होता, शुरू तो यहीं से होगा, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर कर्व कभी नेगेटिव नहीं होता, शुरू तो यहीं से होगा और इस तरीके से लहराएगा, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डार्क कर्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो ½kx² हो गई, पुट करते ही आ जाएगा ½m² एक्स की वैल्यू डाल देते हैं तो a² sin² ωt + 5। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाला ओरिजिन से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, बस खाली पॉजिटिव में लहराता रहेगा। तो आई थिंक ग्राफिकल नेचर समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये साइन इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी के टर्म में ले रखा है। कई बार एग्जाम में एक्स की इक्वेशन दे देता है a cos ωt, कहता है अब बताओ वेलोसिटी की इक्वेशन कैसी होगी, और सॉरी अब बताओ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कैसी होगी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन कैसी होगी। तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर देखते हुए, ठीक है।
अब ये जो एनर्जी की इक्वेशन है, अच्छा दोनों को ऐड करें तो ऐड करने पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी जो कि कंजर्व्ड है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो ये डार्क लाइन मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इन टर्म्स ऑफ पोजिशन निकालना चाहते हो तो वी का वो एक्स वाला रिलेशन पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का आपके सामने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ग्राफ के नेचर के बारे में देखोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप वेरीफाई कर सकते हो ग्राफिकल नेचर इनका कैसा है। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब ये जैसे इक्वेशन दे रखी है ये कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1/6 सेकंड। ठीक है ना, तो पहला काम आप ये करो कि ये दे रखा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब 90 प्लस थीटा की आइडेंटिटी लगाना अपने बस में, अगर मान लो ये पाई बाय 3 होता तो हम कुछ नहीं करते, जैसा है चलने देते। ठीक है ना, तो क्योंकि ये 90 प्लस थीटा दे रखा है इसलिए मैं इसको लिख लूंगा कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, फंक्शन चेंज हो जाता है सेकंड क्वार्टर में, कॉस का माइनस साइन आ जाता है। तो माइनस 10 सेंटीमीटर साइन 2 पाई टी, ये हो गई हमारी एक्स की इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है तो डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे, फिर मैं ग्राफ भी बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस और ये टी का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस 20 पाई कॉस 2 पाई टी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। ए का इक्वेशन निकालूँ तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो प्लस 20 पाई, अब फिर से 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 40 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी। अब हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, ये माइनस साइन का ग्राफ है तो माइनस साइन का ग्राफ नीचे की तरफ लहराता है ऐसे, ये हो गया हमारा एक्स का इक्वेशन। वेलोसिटी का इक्वेशन देखें तो माइनस कॉस है, माइनस कॉस यहाँ से शुरू होता है, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन येलो कलर से। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखें तो प्लस साइन है तो वो तो मीन से ही स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा, तो ये वाइट कलर वाला एक्सेलरेशन का हो गया। तो आप तीनों के ग्राफ बना सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आराम से आ जानी चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है टी इक्वल्स टू 1/6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो पुट करके निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1/6 सेकंड इक्वल्स टू माइनस 20 पाई और कॉस, इधर 1/6 पुट करेंगे तो बनेगा पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री हाफ हो गया तो माइनस 10 पाई आ गया, पाई 3.142 था तो माइनस 31.42 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ पार्टिकल जा रहा है, देखिए साइन के साथ तो है नहीं, मैग्नीट्यूड ही देना, तो 31.42 के हिसाब से मैग्नीट्यूड आ गया हमारा फोर्थ वाला, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले पर, पढ़ो। ये कह रहा है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज दिस एंड दिस, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर दिस एंड दिस, फाइन टाइम पीरियड। तो ये वही टू इक्वेशन टू अननोन वाला सवाल है। ठीक है ना, पहले वी की इक्वेशन को फटाक से लिख लेते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग चाहिए। तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन बना लो, तो पहली इक्वेशन बनेगी वी का वैल्यू है 10, स्क्वायर होकर के हो जाएगा 100, इसको एज इट इज छोड़ो और पोजीशन का स्क्वायर हो गया 16, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी लिखो, वी का वैल्यू है 8 तो ये हो गया 64, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और पोजीशन का वैल्यू है 5 तो स्क्वायर होकर के हो गया 25। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है तो बेहतर है दोनों को सब्ट्रैक्ट मारें, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा 36 बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू 9, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ ओमेगा अब टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई बाय टी डाला बराबर 2 घटा टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। देखा, रटने से बढ़िया, सुपर पावर इस्तेमाल करने से बढ़िया कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन को कर लो, गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसमें सी वाला। अगर एम्पलीट्यूड निकालना होता तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेते, ओमेगा स्क्वायर कट जाता फिर एम्पलीट्यूड आ जाता, वो आप जरूर कर लेना, छोड़ना मत, मैं नहीं कर रहा आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मेन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टोटल एनर्जी इज ई, एट वन इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। तो जहां काइनेटिक एनर्जी 3E/4 हो जाए वो डिस्प्लेसमेंट बता दो, बहुत सिंपल तरीका। तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 ई है, फॉर्मूला डालो डिस्प्लेसमेंट वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब इधर आप ई का फॉर्मूला डाल दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से आप देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर निकल लिया। ठीक है ना, 2a square क्यों, इसको हम यहाँ पर एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a square माइनस x square बराबर 3/4 a square।
तो यहाँ से एक स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई और ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4 a². तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई 2। तो पोजिशन हो गई प्लस माइनस a बाई 2। इन पोजिशन पर जा करके काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। राइट आंसर है बी वाला, समझ आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्पीड देख लो, बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, ये तो हर बार कराता हूँ, ठीक है ना। और ये 21 में आ गया था, कुछ खास नहीं था प्रॉब्लम। ये कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विद विच काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, होती है डबल। क्यों होती है? इक्वेशन लिखो 1/2 m ω² अब देखो पोजिशन वाली लिखोगे वहाँ फ्रीक्वेंसी तो आनी नहीं, तो वो कॉस वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं, तो 1/2 m ω² अब देखो लीनियर पावर में ब्रेक करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, 1 cos 2θ/2। तो 1 cos 2ωt/2, ठीक है। अब यहां से आप चेक करो, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 2ω, यानी कि जिस फंक्शन की पावर 2 होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, डायरेक्ट याद रख लो। तो आगे से कहीं पर भी पावर 2 का फंक्शन मिले उसकी फ्रीक्वेंसी पूछे वो डबल मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2f। टाइम पीरियड पूछे, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछे, वो साइन स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर है तो वो भी डबल होगी, ठीक है ना। यानी पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल फ्रीक्वेंसी और हाफ टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेंगी। ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब चलते हैं आगे, आंसर समझ गए, 2f हो गया। ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास इतना प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। ये सवाल के दो वर्जन है, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। ये एक वर्जन मैंने यहां रखा है, दूसरा मेरी तरफ से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑसिलेशन, तो कहानी ऐसे ही चल रही है, एक पार्टिकल को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके यूं वर्टिकल ऑसिलेट कराते हैं। देखो ये ऊपर जाकर के कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है, दिख रहा है ना, देखो। तो कहानी ऐसी चल रही है, ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg, तो हमें 0.5 kg का ब्लॉक दे रखा है। प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सिस्टम इज मेकिंग वर्टिकल ऑसिलेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 hertz। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.5 hertz। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए ब्लॉक इज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। देखो ये हो गई इसकी मेन पोजिशन x = 0, ये हो गई इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, ये हो गई इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम। लेक्चर में मैंने ये कराया हुआ है, तो वो बच्चे मेरे ख्याल से डायरेक्टली उड़ा सकते हैं इसको, उनको ये कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक्सट्रीम पोजिशन पर आप जानते हो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और हमेशा टूवर्ड्स मेन पोजिशन रहता है, ठीक है। अब अगर आप ये देखने की कोशिश करो कॉन्टैक्ट क्यों छोड़ रहा है, तो पहले प्लेटफॉर्म पर बैठ जाओ। और जब भी हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठते हैं, पहला काम आप अच्छी तरह जानते हो, सूडो फोर्स लगाते हैं। कहाँ की तरफ लगेगी? ऊपर। तो ये ऊपर लगने वाली सूडो फोर्स इसे हवा में उठाने की कोशिश कर रही है। जितना ये ज़्यादा होगा इसके उठने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ए सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजिशन पर। तो अगर यहाँ नहीं उठा तो कहीं नहीं उठेगा। तो हम इसके लिए लिमिटिंग कंडीशन बना लेते हैं कि यहाँ पर ए इतना है कि बस ये कॉन्टैक्ट छोड़ने ही वाला है। यानी एम ए की वैल्यू जस्ट इक्वल्स टू, यहीं पे कर रहा हूँ, एम ए की वैल्यू जस्ट इक्वल्स टू एम जी कर दी, एम एम कटा, ए का फॉर्मूला डाला, ओमेगा स्क्वायर ए बराबर जी कर दी, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई जी बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आंसर भी मैंने बोला था ना दो वर्जन है, इसलिए इधर नहीं कर रहा, इधर दूसरा बता दूंगा। तो जी की जगह आ गया 10, ओमेगा हो गया 2πf, तो बन गया 4π² f², फ्रीक्वेंसी है हाफ, तो स्क्वायर होके 1/4 हो गई, ठीक है ना। अब देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होती है, 10 कट गया तो 1 आ गया, और ये 1 मीटर इसका एम्पलीट्यूड का अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू हो गया। राइट आंसर इस प्रॉब्लम का 3rd हो गया। ये समझ ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए। दूसरा ऑसिलेशन, ये इसका 2nd टाइप है, दोनों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ के मत जाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, अब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक को रख के हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ये तो हो गई मेन पोजीशन, ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है ना, एम्पली, और इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। फट से बैठ जाओ, बैठते ही हमें पता चला कि अब सूडो
राइट साइड पर लग रही है, और इधर सूडो लेफ्ट साइड पर लगेगी। ये राइट और लेफ्ट पर लगती हुई सूडो इसको स्लिप कराने की कोशिश करती है, तो हॉरिजॉन्टल में स्लिपिंग आ जाती है, ठीक है ना। स्लिपिंग रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, कब तक रोक पाएगा, जब तक मैक्स ना हो जाए। अब अगर आपने इससे ज़्यादा आगे ले गए तो ये एम ए एफ एस मैक्स को एक्सीड कर जाएगा, ब्लॉक स्लिप हो जाएगा। तो स्लिपिंग रोकने की कंडीशन क्या हुई कि एम ए जस्ट लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन ले लेते हैं, तो एम ए इक्वल्स टू एफ एस मैक्स का वैल्यू डाल दिया म्यू एस एम जी, एम से एम कटा, ए का वैल्यू डाल दिया ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल्स टू म्यू एस जी, यहाँ से अब आपका एम्पलीट्यूड आ गया म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो दो रिजल्ट हैं प्लेटफॉर्म वाले, एक वर्टिकल ऑसिलेशन और एक हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। वर्टिकल ऑसिलेशन में क्या सूडो उठाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड हो जाता है जी बाय ओमेगा स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड हो जाता है म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब इस सेक्शन में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, सारी चीज खत्म हो चुकी है, चलते हैं आगे। हाँ, ये है पीरियोडिक मोशन के प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा था। कैसे अटैम्प्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, प्यार से अटैम्प्ट करेंगे। देखो कैसे कहानी ऐसी चल रही है, पेंडुलम यहाँ पे था, आपने यहाँ से छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेट करके घूम घाम करके यहीं पहुँचता है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो। ये दीवार है जिससे ये पेंडुलम कोलाइड करता है, ठीक है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है जो कि 6 डिग्री दे रखा है। तो पेंडुलम यहाँ से आएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, टाइम आप जानते हैं T/4 लगेगा। 0 से ये A/2 जाएगा, टाइम आप जानते हो T/12 लगेगा। यहाँ पेंडुलम टकराया, टकराने पर इसका कोलिजन दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक, पढ़ो, इट इज स्विंग टू पोजिशन बी, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी, ठीक ना, इज हैंग बाय वॉल मेकिंग 3 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, इट इज स्विंग टू पोजिशन बी। तो ये पोजिशन इसने नहीं दे रखा कोलिजन कैसा है, कहता पोजिशन बी पर स्विंग हो जाता है। अब बी पर स्विंग होएगा, इसका मतलब जितनी एनर्जी लेके आया था उतनी एनर्जी लेके गया, क्योंकि अगर एनर्जी यहाँ टकराने पर लॉस हो जाती तो ये वापस से बी तक तो पहुँच नहीं पाता, उससे कम ही पहुँचता। तो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं बोल रहा इलास्टिक कोलिजन है, इनडायरेक्ट वे में दे रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, कि जहाँ से चला था वहीं पहुँचा है, इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना। अब सोचो यहां से यहां तक T/12 हो गया, फिर वापस यहां से आया T/12, फिर वापस यहां से यहां पहुंचा, दिस इज T/4। तो अब इसका टोटल टाइम आप लिखेंगे, तो दिस टोटल टाइम विल नाउ बिकम, सपोज सम अप कर लो, T/4 T/4 T/2 हो गया प्लस T/6 हो गया, ठीक है, और इसका रिजल्ट आ गया, LCM हो गया 6 और ये बन गया हमारा 2T/3। अब T का वैल्यू डाल देते हैं, तो T का वैल्यू हम पुट करेंगे अपना 2π√L/g, ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 4π/3 तो बाहर है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.1, जी हो गया 10, तो ये 1/100 हो गया, 10 बाहर निकल गया, तो π/15, तो π/15 सेकेंड इसका बीच से बी तक पहुँचने का टाइम हो गया, तो राइट 2π/15 सॉरी, तो 2π/15 इसका टाइम हो गया, तो राइट आंसर हमारे पास आ गया बी वाला। तो मेरे ख्याल से आपको ये पीरियोडिक मोशन वाला समझ आ गया होगा। इसी तरीके का पीरियोडिक मोशन एक और भी होता है, वो भी बता देता हूँ, ये वाला कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है ना, ये ब्लॉक है, ये SCV का प्रॉब्लम है, टेस्ट में आपको मिलेगा, तो पहले ही करा दे रहा हूँ। ये एल डिस्टेंस है, यहाँ वी स्पीड से आया, ठीक है ना, ये वी स्पीड से आया, इससे टकराया, इधर से इधर आया, फिर वापस इधर पहुंचा, इधर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी बता दो। अब कैसे, यहाँ से यहाँ तक कोई SHM तो है नहीं, ये तो पीरियोडिक मोशन है, टकरा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ने दे रखा है, ठीक है ना। अब ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, तो आ जाओ हम इसको देखते हैं। ये पहले यहाँ से यहाँ गया, अब इधर से ये स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में आया, चला मीन पोजिशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है ना, -A/2 की तरफ, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कितना हो गया T/4, फिर इधर से इधर आया T/4, ठीक है, और फिर इधर से इधर चला गया, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी T ही होगा। अब टोटल टाइम की वैल्यू अगर मैं लिखूँ, तो ये टोटल टाइम की वैल्यू आ जाएगी T/4, ध्यान से देखना इसको, प्लस 2T। टी की वैल्यू हम डाल देते हैं 2π√M/k, और इस टी की वैल्यू कैसे डालेंगे, बहुत ध्यान से पुट करनी है, वी स्पीड से चल रहा है, तो यहां से यहां तक का टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी L/V, तो 2L/V, ये उसका टोटल टाइम पीरियड आया π/2√M/k, ठीक है ना, प्लस 2L/V। तो मेरे ख्याल से समझ आ गए दोनों पीरियोडिक मोशन वाले सवाल, दोनों काफी अच्छे सवाल माने जाते हैं और ज्यादातर टेस्ट में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखो,
अब आ जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, पूछा नहीं गया बट हर बच्चा कहता है सर पढ़ा दो डैम्प्ड, पढ़ा दो डैम्प्ड, तो मैंने डैम्प्ड भी पढ़ा दिया, प्रॉब्लम भी रख दिया, दोनों चीज़ें दे देता हूँ। देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम को, तो फ्रिक्शन की वजह से, लिक्विड के फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज करता चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, इक्वेशन ध्यान रखनी है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, ये इसकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इसकी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है। मैकेनिकल एनर्जी टाइम के साथ साथ खत्म होती चली जाती है, तो अगर हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में ए की वैल्यू डाल दें तो मैकेनिकल एनर्जी देख लो ये टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी, और मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ई बराबर ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई एम टी। ध्यान रखने वाली बात ये है एम्पलीट्यूड में माइनस बी बाई टू एम है और इधर हमारा माइनस बी बाई एम है, ठीक है ना। बी बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट को, जितनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी ठीक है ना उतनी जल्दी इसके एम्पलीट्यूड खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वो हो जाती है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, के बाय एम के बराबर, माइनस बी बाय टू एम का होल स्क्वायर। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू बी बाय टू एम से ज़्यादा होती है तो ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, मतलब कई सारे ऑसिलेशन ले करके धीरे 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 समय के साथ ये कम होते चले जाएंगे और फिर फाइनली रुक जाएगा। अगर दोनों बराबर होते हैं बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है ना। और अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू बी बाई टू एम से ज़्यादा होती है तो इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, यानी ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके के बेसिक थ्योरेटिकल अगर आता है तो या तो इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। और बहुत अगर उसका मूड चल गया कि नहीं भाई आज मैंने ठान रखा है कुछ क्रेजी करेंगे, ठीक है ना, यानी कुछ तूफानी करेंगे, तो फिर वो हो सकता है बहुत तूफानी जब करने का एग्जामिनर का मूड हो तो एम्पलीट्यूड की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल बना दे, जो कि एक बहुत हार्ड सवाल माना जाएगा जिसको हम बहुत आसान तरीके से फूंक देंगे, ठीक है ना, देखना आप ध्यान से। तो ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड के ऊपर का सवाल। देखो ये चीज़ की टेक्निक मैं आपको वहाँ रेडियो एक्टिविटी वाले में भी सिखाऊंगा, तो अभी से ही शुरू कर लेते हैं। ये कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, तो फट से एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखो पहले, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी। मैंने पहले भी कई बार बोला अभी भी बोल रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट से भिड़ना नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या होते हैं भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ईगो पे ले लेंगे, नहीं हम तो एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, बचते बचाते निकलना है, ठीक है ना, वो रास्ता मैं फिर दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये कह रहा है एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/3 in 2 seconds, जैसा बोल रहा है वैसा करो, बिल्कुल भोले भाले, अपना बुद्धि प्रयोग मत करो, जैसा एग्जामिनर चलाना चाह रहा है वैसे चलो और मजे लो सिचुएशन के। तो एम्पलीट्यूड 1/3 है, पुट किया ई टू द पावर माइनस बी बाय टू एम, और टाइम कितना बोल रहा है 2 seconds, फर्स्ट इक्वेशन, बस ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है ना। अब कई यहाँ पे टू से टू काटें, अरे कर क्या लोगे, उसके बाद माइनस बी बाय एम टांग करके घूमते रहोगे, उससे क्या फायदा, जैसा है छोड़ दो। आगे कह रहे इफ इट्स एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 seconds, तो 6 seconds के बाद का एम्पलीट्यूड 1/n टाइम्स ओरिजिनल, यानी ए नॉट बाय एन, दूसरी इक्वेशन, तो ए नॉट तो कटा, माइनस बी बाय टू एम इंटू 6 आ गया, सही है। देन ओरिजिनल देन वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू निकालना है। अब देखो हमारे रास्ते का अड़ंगा एक्सपोनेंट, इसको उड़ाने का तरीका सुनो, यहाँ हमें चाहिए ये माइनस बी बाय टू एम इंटू 6, हमारे पास है माइनस बी बाय टू एम इंटू 2, ठीक है ना। तो पावर से खेलो, ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई पावर में कब होता है, जब आप होल पावर चढ़ाते हो, तो दोनों तरफ वही पावर चढ़ा दो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। मान लो ये गंदा चाहिए होता रिजल्ट, गंदे का मेरा कहने का मतलब, मान लो आपको 5 चाहिए होता, अब अगर आपको 5 चाहिए होता तो आप होल पावर 2/5 चढ़ा दो, सॉरी 5/2 चढ़ा दो, तो 2/2 कट जाएगा, पावर में 5 आ जाएगा, गंदा रिजल्ट भी सॉल्व हो गया। मान लो आपको ये रिजल्ट 7 चाहिए होता तो आप 7/2 पावर में चढ़ा दो, 2/2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, जैसा चाहिए वैसी पावर चढ़ा दो, आपका काम बन जाएगा। फिलहाल तो मेरे को 6 चाहिए, तो मैं इसमें 6/2 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब होल पावर 3 कर दे रहा हूँ, तो पावर होल 3 करते ही ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस बी बाय टू एम इंटू 6, और एक्सपोनेंट से भिड़े बिना हमने उसका पर्पस सॉल्व कर लिया, तो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो 1/n की वैल्यू हो गई 1/3 की पावर 3, यानी n की वैल्यू हो गई 3³, मतलब 27। अब चेक कर लो, तो राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला, समझ तो आ गया होगा, ठीक है ना, मजेदार था ये खेल। ऐसे करके एक्सपोनेंट से रास्ता बनाते हैं। मान लो मैकेनिकल एनर्जी होता तो कौन सा बड़ा काम होता, कहता मैकेनिकल एनर्जी 1/3 रहेगी 2 सेकंड में, तो कोई नहीं, बी बाय एम इंटू टी, जब 2m हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो m क्या बिगाड़ता, इंटू 2 रहता। फिर वो कहता 6 सेकंड बाद मैकेनिकल एनर्जी बता दो कितनी बची, तो 1/n ले ली, e की पावर माइनस बी बाय टू, बी बाय एम इंटू 6 करते, फिर यहाँ होल 3 कर देते, आंसर फिर आ जाता हमारे पास। तो आई थिंक
आप ये मत सोचो कि एक्सपोनेंट से हमें भिड़ना है, नहीं, हमें अपना रास्ता बनाना है और पावर को मल्टीप्लाई करके हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आ गए हम पीवाई के ऊपर, ठीक है ना। तो पीवाई क्यू तो इतने आसान है कि बहुत जल्दी स्पीड से हम इनको निपटा देंगे। पढ़ो, कह रहा पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास। व्हेन मास एम इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, इट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड। इतनी कहानी बकवास लिखी है, सीधे बोल देता है एम मास स्प्रिंग से टांगा, टाइम पीरियड 3 सेकंड है। हम खुद ही क्वेश्चन बना, इतनी कहानी पढ़ने में हमारा टाइम बर्बाद करा देता है। तो 3 सेकंड बराबर 2π अंडर रूट एम बाई के, बना ली हमने इक्वेशन। आगे, व्हेन द मास एम इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, अब हमने एम प्लस 1 कर दिया, ठीक है ना। टाइम पीरियड बिकम 5 सेकंड, बना लो दूसरी इक्वेशन, इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एम प्लस 1 बाई के। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। रेशियो ले लो और एम का वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ एम इन kg। क्या इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होगी, कारण बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। रेशियो लेकर के स्क्वायर मार लो, तो 9/25 एम अपॉन एम प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9m + 9 बराबर 25m, ठीक है ना। ये इधर आकर के 16 हो गया, तो m की वैल्यू हो गई 9/16, तो 9/16 राइट आंसर आपके सामने है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो 17 का प्रॉब्लम। एक एक दो दो प्रॉब्लम आए, ज्यादा नहीं आए। पढ़ो, पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 cm। व्हेन पार्टिकल इज एट 2 cm फ्रॉम द मेन पोजिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो कहता है एम्पलीट्यूड 3 cm है, पार्टिकल की दूरी मेन पोजिशन से जब 2 cm होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो क्या करना है, जैसा बोल रहा है वैसा ही करेंगे, और क्या करेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन डाली पोजिशन वाली, अंडर रूट a² - x² a की इक्वेशन डाली ω² x। अब क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग कर लेनी चाहिए। तो ω² a² - x² बराबर ω4 * ये बन गया हमारा x². अब ये यहाँ से कटा, तो a² - x² बराबर ω² x² करना क्या पहले वो तो देखो, टाइम पीरियड, तो ω² की वैल्यू ले लेते हैं। तो ω² आ गया a² - x² / x². आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ले लो, √a² - x² / x² और टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ठीक है, 2π रूट से तो x बाहर आ जाएगा, √a² - x² सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2π, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और नीचे आ गया a² - x², तो 9 - 4 यानी √5, तो 4π/√5 सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ढूंढ लो आंसर, तो आंसर हो गया हमारा सेकेंड वाला, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर सवाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू द लेंथ। तो आ गया कटिंग ऑफ स्प्रिंग, हमारा दोस्त है, ठीक है ना, आराम से कर लेंगे। तो ये कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसको 1:2:3 के रेशियो में कट किया, बड़ी अच्छी बात है, 1:2:3, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम के ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जो कटने के बाद जो पोर्शंस है उनके स्प्रिंग कांस्टेंट कितने कितने आ जाएंगे पहले वो लिख लेते हैं। तो ये एल, ये 2l, ये 3l, कैसे लिखेंगे, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू टोटल लेंथ 3, 2, 5 और 1, 6 डिवाइडेड बाय गिवन लेंथ, ठीक है ना। तो ये हो गया 6k, दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा हो गया 6k डिवाइडेड बाय 2, तीसरा हो गया 6k डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करना है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कॉन्स्टेंट इज k-, इनको सीरीज में लगाया और k- है, बेवकूफ बना रहा है आपको, k- की वैल्यू तो k के बराबर ही होगी, सीरीज में बताया था मैंने अभी आपको, तो k- तो k हो गया। अब ये कह रहा है नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कॉन्स्टेंट इज k-, हाँ पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा हमें, तो पैरेलल में हो जाएगा कहाँ गया, इन तीनों का सम, तो जोड़ देते हैं, तो k1 + k2 + k3, तो 6k + 3k + 2k, और ये कितना आ गया, 6, 3, 9, 2, 11 11k। अब क्या करें, अब इनका रेशियो बता दो, ठीक है, इनका रेशियो भी बता दे रहे हैं 1/11। अब क्या करें, टिक करो, 4 नंबर ले लो और क्या, तो 1/11 राइट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का प्रॉब्लम, पढ़ो, पैंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशेंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पैंडुलम इज 20 m/s² एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 m फ्रॉम द मेन पोजिशन। कोई बात नहीं, ये रही मेन पोजीशन, ठीक है ना, मेन पोजीशन से 5 m पर जो एक्सेलरेशन दे रखा है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 20, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लो, तो एक इक्वेशन हो गई ω² x, वैल्यू डालो, तो 20 बराबर ω² * 5
ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/T डालो, 2 कट जाएगा, पाई सेकंड आ गई। तो राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। कितनी देर लग रही है SHM में, आप खुद देख लो, जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस क्या, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले हैं वही लगाए चले जा रहे हैं, खटाखट खटाखट सवाल का आंसर आ रहे हैं, आप भी तो कर सकते हो, ठीक है ना। फिर क्यों रो रहे हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके सामने है। एक और प्रॉब्लम दिया 19 में, पढ़ो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऐसे ऐसे सवाल दे देते शर्म आ जाती है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, बताओ कोई सवाल हुआ? एक ऑसिलेशन यहाँ पूरा हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया भाई, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी तो जीरो आ गई, क्या ही सवाल था ये। अब मान लो एवरेज स्पीड पूछता तो थोड़ी शान भी होती इसकी, कि हाँ कुछ ठीक ठाक तो पूछा, कुछ तो ऐसा पूछा कि लग रहा है कि हाँ कुछ सवाल कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस एक ऑसिलेशन में हो गया 4a के बराबर, ये एडिशनल है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, टोटल टाइम हो गया t, t की जगह 2π/ω डाल दो, तो 4a/2π/ω, तो 2a ω/π, ये आ जाती है एवरेज स्पीड। पर पूछी क्या है? वेलोसिटी, तो आंसर हो गया 0। उसी बहाने आपको एक सवाल और मिल गया कि अगर एवरेज स्पीड पूछ लेगा तो कैसे करेंगे। चलते हैं आगे। हाँ, ये पता नहीं कितने बच्चों ने डाउट में पूछा है मेरे से, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो फेजर का बड़ा गंदा सा सवाल है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है ना, आपने तो वो एंटी क्लॉकवाइज में सिखाया हुआ, उससे हम फेज एंगल, भाई हल्की सी बुद्धि लगाए, हल्की सी, इतनी सी, ठीक है ना, इतनी सी बुद्धि लगाओगे आपका सवाल खत्म। तो सुनो, कह रहे रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजिशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड। टाइम पीरियड 4 सेकंड, रेडियस से रखा है 3 मीटर, ठीक है। क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है। पार्टिकल यहाँ पे था, कहता है हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो किसी भी टाइम पर वाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वैक्टर बता दो, यही है ना सवाल। आपने बुद्धि नहीं, आप डर गए सवाल देख करके, बुद्धि नहीं इस्तेमाल करी। तो टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा टी, यही कवर करेगा ना। मान लो एक्स एक्सिस से चलाता तो टी टाइम में कितना एंगल कवर करता? ओमेगा टी, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड होगी। अब कौन सा प्रोजेक्शन बताना है? प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट बताना है, वाई एक्सिस वाला, ये रहा वाई एक्सिस का कंपोनेंट। क्या हो गया ये कंपोनेंट? ये ए है, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, खत्म हो गया भाई, क्या शक्ल देख रहे हो खत्म हो गया सवाल। तो कह रहा प्रोजेक्शन बताओ वाई एक्सिस पर, आंसर ए कॉस थीटा। आप रो रहे थे, नहीं जी हमें नहीं आता, ठीक है ना। अरे इतनी सी बुद्धि लगानी थी, कॉन्फिडेंस दिखाना था अपना, तो वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए की और ओमेगा की, दे तो रखी है सामने, पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 3 cos ω क्या 2π/T, तो 3 cos 2π/T। अब टी का वैल्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 4 × t, और थोड़ा सा लिख लो, टाइम पास कर लो, 3 cos π/2t, तो 3 cos π/2t कहाँ गया आंसर? 3 cos π/2t, यानी राइट आंसर हो गया ये ना आपके सामने। कहीं का पूछ ले, मैं कह रहा हूँ एक्स का पूछ लेता तो कौन सी आफत हमारे ऊपर आ जाती? साइन थीटा हो जाता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग करो, डरो मत, ठीक है ना, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। मान लो और मॉडिफाई कर दूं मैं इसको, अब अगर मैं और मॉडिफाई कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, मैं ऐसे कर दूं, मैं बोलूं नहीं जी पार्टिकल तो यहां से है, ठीक है ना, और यहां से यहां की तरफ जा रहा है, t = 0 पर यहां पर था, ठीक है ना। अब बताओ इसका वाई प्रोजेक्शन, अरे ये एंगल ओमेगा टी हो गया, मारो कंपोनेंट, आंसर आ गया। अब ये नेगेटिव एक्सिस है तो -1 cos θ हो जाएगा, और क्या रॉकेट साइंस हो गई, सिंपल है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका सवाल कंप्लीट होएगा, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर वो हड़बड़ाते रह जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2020 का प्रॉब्लम, ये तो कुछ करना नहीं है, पढ़ो। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो मैंने पहले ही बता दिया पाई है, राइट आंसर 3rd है। 21, कुछ नहीं करना, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, 2n हो गया, ऐसे टिक हो गए। तो कई प्रॉब्लम ऐसे भी मिलते हैं जो टिक करने होते हैं, कई प्रॉब्लम ऐसे भी मिलते हैं थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है, कई ऐसे भी मिलते हैं जिनमें फॉर्मूला लगाना होता है, इन सबका मिक्सर कर लो, नीट पार हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है ना। टेस्ट के प्रॉब्लम अभी नहीं मार्क कराएं क्योंकि वो एसएचएम वेव एक साथ होगा तो मार्क कराऊंगा अगले लेक्चर के बाद। तो आज आपको प्रैक्टिस शीट से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट देखनी है जो मैं हाईलाइट करके दूंगा आपको, अपना टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेक्शन वो देखना है। तो ये चीज़ कवर करनी है आज आपको अच्छी तरीके से, और एक काम और कर लेना, ऐप को रिव्यू कर देना, ठीक है। इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है। अब कल आपकी छुट्टी है, और अगर कोई बैकलॉग रह गया है प्लीज़ आप बैकलॉग मत क्रिएट करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ वहाँ आप सारी मेहनत सत्यानाश कर रहे हो। आप साथ साथ चलो, साथ साथ चलोगे, मैंने पहले बोला था साथ चलने वालों की ही जीत होगी। पीछे रहते चले जाओगे तो और पीछे रहते चले जाओगे, इस मैं नहीं चाह रहा आप पीछे रहो। आपको मैंने एक दिन का ब्रेक दिया है, आप उस ब्रेक में अपना जो भी बैकलॉग है कंप्लीट करो और मेरे पैरेलल में चलो, ताकि हम टाइम रहते चीज़ें कवर करें और आगे मेजर टेस्ट भी दे लें, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं परसों मिलूंगा आपको, जिसमें वेव मोशन का आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। थैंक यू सो मच।